से पहले ही करोड़ों रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म की कुछ एडवांस बुकिंग रविवार को खोल दी गई थी और अब एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंथी 2 ने 2 दिन की एडवांस बुकिंग में ही करीब 4 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म की कुल मिलाकर करीब 1 लाख से ज़्यादा की टिकटें एडवांस में बुक हुई है। फिल्म ने PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस से ही करीब 3 करोड़ की कमाई कर ली है। सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग हुई है मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा और इंदौर में। ये फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। टाइगर श्रॉफ इस बार फिर से एक्शन अवतार में नजर आएंगे और नवाज बने होंगे विलन। नवाज की वही केक वाली हंसी आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है। टाइगर की हीरोपंती 2 को अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 से टकराना होगा। रनवे 34 का भी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रकुलप्रीत सिंह होंगे अजय देवगन के साथ। तीनों ही पायलट बने हुए हैं। काफ़ी ख़तरनाक और थ्रिल भरी ये स्टोरी है। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर जब हीरोपंती 2 और रनवे 34 टकराएगी तो क्या हश्र होगा। वही दोस्तों, टाइगर की हीरोपंती 2 से जब विसल बजा 2.0 रिलीज हुआ तो लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिली। फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई और हीरोपंती 2 के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ऑडियंस। और एक बात, KGF चैप्टर 2 जो कि बहुत ज़्यादा तहलका मचा रही है, अब उसके रास्ते का कांटा बन सकती है टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2। अब तक KGF चैप्टर 2 के बाद जर्सी रिलीज हुई है, लेकिन यश भाई के आगे शाहिद कपूर ने घुटने टेक दिए। जर्सी फ्लॉप साबित हो रही है, लेकिन अब सबकी नज़रें हैं हीरोपंती 2 में। क्या हीरोपंती 2 ही वो फिल्म है जो KGF चैप्टर 2 की रफ्तार तोड़ के आगे निकल जाएगी? आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस तारा सुतारिया फिल्म हीरोपंती 2 में दूसरी बार एक साथ नजर आ रहे हैं। ये फिल्म साल 2014 में आई हीरोपंती का सीक्वल है, जिसे टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सैनन ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। अब इसका पार्ट 2 दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की एक्टिंग की, फिल्म की कहानी की, म्यूजिक सभी पर अपनी टिप्पणी करना शुरू कर दिया। यदि आपने फिल्म नहीं देखी और प्लान कर रहे हैं तो फिल्म का ट्विटर रिव्यूज जरूर पढ़ के जाएं। हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया लीड रोल में है। वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में विलन के कैरेक्टर में नजर आए। फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान ने किया है। इससे पहले उन्होंने बागी 3 डायरेक्ट की थी। हालांकि वो फिल्म थोड़ी बहुत बॉक्स ऑफिस पर चली, लेकिन कह सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ का नाम खराब और उन्हें डुबाने की कोशिश कर रहे हैं अहमद खान अपनी फिल्मों से और डायरेक्शन से, क्योंकि दोनों ही फिल्में मुझे पसंद नहीं आई। फिल्म को सिर्फ एक्शन के बल पर खींचा गया है, उसके अलावा और किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया गया। ना ही सॉन्ग्स पे ध्यान दिया गया, ना ही स्टोरी पे, और ना ही फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग पे, क्योंकि अकेले नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना कुछ कर लेते। देखते हैं कुछ रिव्यू जो लोगों ने किए हैं। तो एक है नितेश नवीन, इन्होंने फिल्म की बहुत तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि ब्रिलियंट एक्शन, फास्ट स्क्रीन प्ले, नो डल मूवमेंट, टू द पॉइंट, थ्रिलिंग, हीरो विलन कन्फ्रंटेशन। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि टाइगर श्रॉफ बबलू ने तो दुबई में तहलका मचा दिया है, बबलू वर्सेस लैला 100 out of 100। इन्होंने रेटिंग भी दी है 4 and 4.5 star। इन्होंने लिखा कि इससे कम रेटिंग तो कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि टाइगर श्रॉफ इज विनिंग हर्ट लाइक ऑलवेज फॉर हिज परफॉर्मेंस, एक्शन एंड डांस, स्टोरी फ्रेश है और लोगों को पसंद आ गई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग हमेशा ही अलग है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है जिनका नाम है संबित जेना, उन्होंने लिखा है स्टाफ ऑफ हीरोपंती 2 एंड ऑल आई वुड टू से अहमद खान इज दैट, छोटा बच्चा है क्या, ये क्या बवासीर बना दिया है भाई। गो हेड और टेल ऑफ द स्टोरी, टाइगर श्रॉफ यू आर ग्रेट परफॉर्मर, प्लीज वर्क विद द बेटर डायरेक्टर्स एंड तारा सुतारिया एज यूजुअल टू ऐड ग्लैमर। एक और ट्वीट किया उन्होंने, उसके बाद लिखा है कि जस्ट टू ऐड अप, सेकेंड हाफ ऑफ हीरोपंती इज इवन मोर टॉर्चर देन द फर्स्ट हाफ, टाइगर श्रॉफ भाई आखिर क्यों, क्या मजबूरी है भाई, तारा सुतारिया प्लीज टेक सम टाइम एंड लर्न एक्टिंग एट लीस्ट, जस्ट स्टैंडिंग एंड स्पीकिंग डायलॉग्स वॉन्ट हेल्प। तो यहाँ भी देखा जाए दोस्तों तो लोगों ने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं, कुछ ने नेगेटिव। लेकिन बात सही है, मैं नेगेटिव साइड से आता हूँ। नो डाउट कि टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस ही काम नहीं आती, फिल्म की स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए, तभी वो फिल्म
फाइनली लोगों के दिलों में जाकर उतरती है और लोग फिल्म को अच्छा बोलते हैं। को इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। दर्शकों की क्लास, क्या फिर से देखने को मिलेगा फिल्म में वायरल मीम डायलॉग? क्या टाइगर फिर होंगे अपने डायलॉग से वायरल? क्यों डिसअपॉइंटेड हुए फिल्म के विलन नवाज? 2014 में हीरोपंती का कुछ ही दिन में आप सबको दूसरा पार्ट पर्दे पर देखने को मिलेगा। फिल्म के पहले पार्ट में हमें टाइगर और कृति नजर आए थे, पर इस बार सिर्फ टाइगर ही नजर आ रहे हैं। बात करें फिल्म के डायलॉग्स की, तो फिल्म हीरोपंती के डायलॉग्स तब इतने नहीं चले थे जितने आज हमें सोशल मीडिया पर चलते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर टाइगर के डायलॉग्स के मीम आप सबने ही देखे होंगे, खासकर वो छोटी बच्ची हो क्या। फिल्म के 8 साल बाद फिल्म के डायलॉग्स इतने पॉपुलर होंगे और वो भी इस वे में, ऐसा तो मेकर्स ने कभी नहीं सोचा होगा। पर इस बात का अंदाजा मेकर्स ने इस बार लगा लिया है, तभी तो वो अभी से फिल्म का डायलॉग को लेकर इतने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में मेकर्स ने टाइगर के डायलॉग का एक कैंपेन भी शुरू करा, जो काफी वायरल होता हुआ भी नजर आया। ऐसे में फिल्म के आने के बाद हमें फिर से टाइगर के डायलॉग्स के मीम सोशल मीडिया और इंटरनेट पर घूमते नजर आएंगे। वैसे तो आजकल हर चीज का मीम हमें देखने को मिल जाता है। मीम बनाने वाले न जाने कहां से कंटेंट ढूंढ के मीम बना लेते हैं और लोगों को ये मीम काफी रिलेटेबल और पसंद भी आते हैं। और फिल्मों के लिए तो ये और खुशी की बात होती है, जब किसी फिल्म के ऊपर मीम बनता है तो लोग उस मीम को समझने के लिए उसके ओरिजिनल कंटेंट देखने की सोचते हैं। ऐसे में शायद मेकर्स खुद फिल्म को लेके मीम बनवा के वायरल करवा सकते हैं। मीम भी एक तरह का प्रमोशनल स्टंट बन चुका है। काफी मीम पेज पैसे लेकर मीम बनाते हैं, वो भी मेकर्स के कहने पर, जिससे लोग एंटरटेन भी होते हैं और प्रमोशन भी हो जाता है। आने वाले फिल्म हीरोपंती 2 में हमें टाइगर के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन के भूमिका में दिखाई देंगे। इससे पहले नवाज सलमान के सामने भी विलन बन के आ चुके हैं फिल्म किक के अंदर, और फिल्म हीरोपंती 2 में भी उनकी हंसी को लेके दर्शकों ने भी यही नोटिस किया और नवाज को भी काफी क्रिटिसाइज कराया गया, जिसके बाद अब नवाज भी दर्शकों से थोड़ा खफा नजर आए। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीधा दर्शकों की और निशाना लगाते हुए उन्होंने आजकल की फिल्मों पर बोला कि पर्दे पर आजकल जिस फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं उसको देख के लगता है लॉकडाउन में लोगों के टेस्ट में गिरावट आ गई है। उन्होंने कमर्शियल फिल्मों के बारे में भी बताया कि लोग मुझसे कमर्शियल फिल्म में भी मेथड एक्टिंग की उम्मीद करते हैं, जो कि सही नहीं है। कमर्शियल फिल्म फन के लिए बनाई जाती है, और अगर आप हीरोपंती 2 में भी मेरे किरदार को देखने के लिए मेथड एक्टिंग की उम्मीद कर रहे हो तो आप डम हो, पर अगर आप फिल्म एंजॉयमेंट के लिए और फन के लिए देखने जाओगे तो आपको फिल्म बहुत पसंद आएगी। वैसे यह सही भी है, लोग एक्टर से कुछ नया करवाता हुआ भी देखना चाहते हैं, और जब वो कुछ नया करते हैं तो फिर उसमें उनके पुराने काम को ही करने की इच्छा जताता है। पर ऐसा नहीं हो सकता, पीरियड फिल्म में हीरो मशीन गन के साथ थोड़ी दिखाई देगा, वो तो तीर कमान के साथ ही लड़ता दिखेगा ना। ऐसी कमर्शियल फिल्म्स में हमें इमेजिनरी चीजें और थोड़े मिर्च मसाला ही तो देखने मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या नवाज के बयान के बाद लोगों की बदलेगी सोच और लोग पहुंचेंगे फिल्म के स्वागत में? तो मैं मिलियन पार कैसे मिला दूसरे ट्रेलर का रिस्पांस? क्या है फिल्म का प्लॉट? कौन निभाएंगी पर्दे पर टाइगर की माँ का किरदार? 29 अप्रैल 2022 को टाइगर की हीरोपंती 2 हमें बड़े पर्दे पर देखने मिलेगी। फिल्म अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म को प्रोड्यूस किया है साजिद नाजिरवाला ने। मेकर्स ने फिल्म का पहला ट्रेलर आज से 1 महीने पहले यूट्यूब पर डाला था। ट्रेलर में काफी कुछ हमें देखने मिला था, जिसके बाद लोग काफी कंफ्यूज दिखाई दिए ट्रेलर को लेके, क्योंकि ट्रेलर में ना फिल्म का प्लॉट समझ आया ना कहानी। इसी सब की वजह से मेकर्स ने फिल्म का दूसरा ट्रेलर 23 अप्रैल 2022 को रिलीज किया, जिससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक देखने मिल रहा है। ट्रेलर को अब तक 6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और ट्रेलर यूट्यूब पर पूरे इंडिया में ट्रेंड भी कर रहा है, वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। वहीं दूसरी तरफ पहला ट्रेलर पार अभी भी 60 मिलियन व्यूज है 1 महीने में, जिसका मतलब दूसरा ट्रेलर निकलना मेकर्स का काफी अच्छा स्टेप था। इससे फिल्म के फैंस को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और फिल्म को रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस स्टेप से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है। फिल्म के पहले ट्रेलर में हमें बस टाइगर का एक्शन और भारी भारी डायलॉग्स का मिश्रण देखने मिला, पर दूसरे ट्रेलर में कहानी को लेकर, प्लॉट को लेकर काफी कुछ देखने मिला। फिल्म का प्लॉट इस बार बिल्कुल अलग होने वाला है। जहां हीरोपंती में एक प्योर लव स्टोरी दिखाई गई, इस बार हमें एक ट्रेजिक स्टोरी देखने मिलेगी, जिसमें एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा भी देखने को मिल सकता है। फिल्म में इस बार हीरो और विलन की मेन स्टोरी होगी। बात करें प्लॉट की, तो इस बार मेन विलन है नवाजुद्दीन, जो एक साइबर क्राइम की दुनिया के डॉन दिखाए गए हैं, और फिल्म में वो एक ऐसे ही साइबर चोरी करना चाहते हैं जिसे हर इंसान के अकाउंट से पूरे पैसे उनके पास चले जाए। और तभी एंट्री लेते हैं फिल्म के हीरो बबलू, जो इस क्राइम को होने से रोकने और नवाज को मजा चखाने आता है। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग ही सुनने को मिला, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है और वो कहानी से काफी मिलता भी है। डायलॉग है कि असली हीरोपंती लोगों से जीतने में नहीं, बल्कि लोगों को जीतने में है।
टाइगर ने इसी कैप्शन के साथ फिल्म का दूसरा ट्रेलर सोशल मीडिया पर भी डाला, जिसके बाद लोग काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं फिल्म को लेकर। फिल्म के पिछले ट्रेलर में हमें फिल्म के हीरो टाइगर और हीरोइन तारा सुतारिया और विलन नवाजुद्दीन दिखाई दिए, पर फिल्म के दूसरे ट्रेलर में हमें और कई किरदार देखने को मिले, जिसमें से एक है अमृता सिंह। अमृता सिंह रियल लाइफ में जो मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान की माँ है, पर पर्दे पर वो दूसरी बार टाइगर की माँ का किरदार निभाने जा रही है। इससे पहले वो फ्लाइंग जट में भी टाइगर की माँ का किरदार निभा चुकी है और ट्रेलर में भी हमें उनका किरदार कुछ वैसा ही सिमिलर सा दिखाया। अमृता इस फिल्म में भी वही माँ की ममता और बच्चे से लगाव वाला कैरेक्टर निभाती दिखाई दे रही हैं, जो कि काफी हद तक उनके फ्लाइंग जट वाले उनके बेबे के किरदार से मिलता है। पर किरदार भले ही मिलता हो, पर जो माँ बेटे का रिश्ता हमें उनका पिछले फिल्म फ्लाइंग जट में देखने मिला था, वैसा ही इस फिल्म में भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या दूसरे ट्रेलर के आने से मेकर्स को होगा बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुनाफा या मेहनत होगी बर्बाद? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जगहों से बनाया फिल्म ने अपनी शूट का हिस्सा, क्या है टाइगर के फिल्म में शूट का सच, किस नई फाइटिंग टेक्निक्स को सीखा टाइगर ने फिल्म के लिए? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में ये साल तो टाइगर का होने वाला है, ये सबको दिखाई दे रहा है, मतलब एक के बाद एक एक्शन फिल्म और सब में हमें टाइगर श्रॉफ ही दिखाई दे रहे हैं। पर इस लाइन में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं 2014 की हीरोपंती का दूसरा पार्ट यानी हीरोपंती 2। फिल्म की कहानी काफी समय से शूट हो रही थी। फिल्म ने नई मशहूर जगहों को अपनी शूटिंग का हिस्सा भी बनाया, जिसमें इंग्लैंड, रशिया, थाईलैंड, अबू धाबी और अपना भारत भी शामिल है। फिल्म के अंदर कई एक्शन सीक्वेंसेस और फाइट सीन देखने को मिलेंगे, जो ज्यादातर इन्हीं जगहों पर शूट करे गए हैं। ऐसे में हमें नई जगहों के साथ नया एक्शन भी फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। एक फिल्म में हीरो का लुक बहुत अहम होता है। कई बार तो एक्ट्रेस फिल्म से पहले अपना लुक मीडिया से भी छुपाए होते नजर आते हैं, पर इन दिनों जिस बॉलीवुड एक्टर के लुक ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो थे टाइगर श्रॉफ। अपने आने वाले फिल्म में टाइगर एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में शूट बूट में एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि फिल्म में उन्होंने जितने भी सूट पहने और फाड़े हैं, वो सब एक बहुत ही ब्रांडेड और महंगी कंपनी के थे। जहां लोग फिल्मों पर करोड़ों लग रहे हैं, वहीं टाइगर श्रॉफ के लुक पे और ड्रेसेस पर ही फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला का पूरा खर्चा चला गया। पर साजिद अपनी फिल्मों में खर्चे से पीछे नहीं हटते, जब बात एंटरटेन की हो। इसीलिए तो फिल्म के इतने खर्चे के बावजूद उन्होंने टाइगर का लुक सबसे ऊपर रखा और उनका लुक काफी वायरल भी हो रहा है। और इस खबर के आने के बाद तो और भी ज्यादा सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। पहले के एक्टर्स का कितना सही था, वो सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान दिया करते थे, पर आज के एक्टर्स के लिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सिर्फ एक्टिंग आना काफी नहीं, फिल्म के लिए उन्हें एक्टिंग के अलावा एक्शन सीन और न्यू फाइटिंग टेक्निक्स, मार्शल आर्ट और सिंगिंग, डांसिंग और ना जाने क्या क्या, और इस सब का मिश्रण आपको टाइगर श्रॉफ में मिल जाएगा। वो बॉलीवुड में एंटर होने से पहले ही वो इन सब से माहिर होकर आए थे, पर शायद ये भी कम रह गया था, तभी तो फिल्म हीरोपंती 2 के लिए टाइगर ने स्ट्रिक्ट फाइटिंग भी सीखी। टाइगर अपने एक्शन के लिए ही जाने जाते हैं और उनसे तगड़ा एक्शन कोई नहीं कर सकता आज के टाइम में। वो अपने ज्यादातर स्टंट्स भी खुद ही करना पसंद करते हैं। ऐसे में नई टेक्निक्स का जलवा भी और अपने एक्शन में जोड़ते हुए फिल्म हीरोपंती 2 में दिखते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस फिल्म में भी टाइगर करेंगे देश की सेवा या इस बार होगा नया कॉन्सेप्ट? कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देंगे नवाज हीरोपंती 2 में लैला, क्या हीरोपंती 2 में 10 लैम्बोर्गिनीज और करोड़ के डिजाइनर सूट हुए डिस्ट्रॉय? क्या कायम रहेगी टाइगर की पॉपुलर फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आने वाले कुछ दिनों में इंडिया के सारे थिएटर्स के हाउसफुल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है टाइगर श्रॉफ की वो फिल्म जिसका टाइगर के फैंस ने किया है काफी समय से इंतजार। जी हाँ, टाइगर की हीरोपंती 2 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि एक साइबर क्राइम बेस्ड मूवी है, जिसमें होगा फुल ऑन एक्शन के साथ थोड़ी कॉमेडी, सुपरस्टार्स का ग्लैम और साथ ही रोमांस और ड्रामा का तड़का, क्योंकि इसके बिना तो बॉलीवुड की कोई भी मूवीज इनकम्प्लीट है। सीधी बातों में कहा तो रजत अरोड़ा की लिखी टाइगर की अपकमिंग हीरोपंती 2 होने वाली है एक फुल ऑन पावर पैक एंटरटेनमेंट मूवी, जिसे डायरेक्ट किया है इंडिया के फेमस कोरियोग्राफर अहमद खान ने।
जो कि बागी 2 और बागी 3 के भी डायरेक्टर रह चुके हैं और प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। अब आगे आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए बताते हैं कैसे बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइगर की हीरोपंती 2 के लैला। लैला नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक फेमिनिन कैरेक्टर इमेज आती है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि क्या अब नवाज मूवी में फेमिनिन रोल में नजर आएंगे। हाँ, तो आपको बता दें कि ये फैक्ट कहीं हद तक सही है। चलिए अब आगे मूवी में नवाज के किरदार की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देते हुए उनके कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो अब बात करें तो मूवी के हीरो के फैंस तो सभी होते हैं, लेकिन विलन्स के फैंस, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन ये बिल्कुल अजीब नहीं है, क्योंकि नवाज हैं इतने उम्दा कलाकार कि जो अपने नेगेटिव रोल्स से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। जी हाँ, नवाज है हीरोपंती 2 के विलन, जिसका नाम है लैला। नवाज के नाम के साथ ही उनका कैरेक्टर भी काफी डिफरेंट है, जहाँ एक साइबर मास्टर माइंडेड बट साइको मार्सेलस डॉन होंगे विद अ लिटिल टच ऑफ फेमिनिन। अब आगे बात करते हैं लैम्बोर्गिनीज और महंगी डिजाइनर सूट्स की। तो जैसा कि आप जैसा जानते हैं कि ये एक एक्शन मूवी है, तो बड़ी बड़ी कार्स को हवा में उड़ाना ये तो कॉमन है, और साथ ही एक्शन हीरो के मस्कुलिन बॉडी का शोकेस करना भी, जो बिल्कुल हीरोपंती 2 के एक्शन सीन्स में भी आपको ये सब कुछ दिखेगा। सूत्रों की माने तो 10 लग्जरीज लैम्बोर्गिनीज का इस्तेमाल किया गया था इस मूवी के हैवी स्टंट सीक्वेंसेस के लिए, और साथ ही कहा ये भी जा रहा है कि ये अब तक का बिगेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म होने वाली है। रही बात लग्जरियस सूट्स की, तो एक्शन शूट के टाइम इतने सूट्स की बलि चढ़ी कि साजिद नाडियाडवाला की मूवी के कॉस्ट्यूम के लिए अलग से बजट प्लान किया था। अब देखना ये होगा कि ईद के खास मौके पर आ रही टाइगर की इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी कितनी हद तक बढ़ती है या कायम रहती है। कौन सी फिल्म होगी सुपरहिट? क्या किरदारों के चलते फैन बेस होगा डिवाइड? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की सुपरहिट फिल्म हीरोपंती का जल्द ही दूसरा पार्ट रिलीज होने जा रहा है। हीरोपंती 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, और इस बार दर्शकों को फिल्म में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। आपको मालूम है कि जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में आई फिल्म हीरोपंती से ही की थी। हीरोपंती 2 के राइटर रजत अरोड़ा ने बताया, ये अब तक हमारे द्वारा की गई सबसे मॉडर्न और अप टू डेट फिल्म है। ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की अब तक की हिट फिल्मों से एकदम हटकर होगी। हमने इसे मॉडर्न प्रॉब्लम और उनके मॉडर्न सॉल्यूशन को देखते हुए बनाने की कोशिश की है। ऐसे में हीरोपंती 2 फिल्म एक्शन पैक्ड होने वाली है, लेकिन जहां ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है, उसी दिन अजय देवगन की रनवे 34 भी रिलीज हो रही है। एक तरफ जहां टाइगर की फिल्म हीरोपंती 2 में दमदार एक्शन के साथ साथ तारा सुतारिया और टाइगर की जोड़ी का धमाल देखने को मिलेगा, तो दूसरी ओर रनवे 34 में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जैसे दमदार कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अजय ने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी खुद से किया है। ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर आधारित होने वाली फिल्म है। ऐसे में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे कलाकार के सामने टाइगर की फिल्म का आना थोड़ा रिस्की हो सकता है। दरअसल आजकल की ऑडियंस वैसे एक्शन फिल्में ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन अजय देवगन भी एक्शन के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है, और ये रनवे 34 के पास एक प्लस पॉइंट है कि अमिताभ की वजह से ओल्ड एज फैंस भी रनवे 34 को देखने आएंगे। दोनों ही हीरो की फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहराती हैं। कैसी रही है टाइगर की अब तक की बॉलीवुड जर्नी? तारा फिल्मों से पहले नजर आ चुकी है टीवी पर। क्या हीरोपंती 2 से बॉलीवुड में बढ़ जाएगा एक्शन मूवीज का बार? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 के स्टार्स टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया के करियर के बारे में। भाई दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म हीरोपंती से की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। ये फिल्म एक साउथ फिल्म का रीमेक थी। हालांकि टाइगर ने अपने करियर में काफी रीमेक के जैसे बागी, बागी 2, बागी 3, वॉर, और कमाल की बात ये है दोस्तों कि ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी।
जिन्होंने ओरिजिनल स्क्रिप्टेड फिल्मों में भी काम किया है, जैसे अ फ्लाइंग जट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, मुन्ना माइकल। और आपको जानकर शॉक लगेगा कि ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। टाइगर श्रॉफ का करियर ग्राफ फिलहाल काफी अच्छा जा रहा है। उनकी आने वाली दो फिल्मों से भी फैंस को काफी उम्मीदें हैं और टाइगर ने इन रोल्स के लिए काफी मेहनत भी की है। वहीं दोस्तों, बात करें फिल्म की हीरोइन तारा सुतारिया के करियर ग्राफ की, तो उनका बॉलीवुड तक के पहुँचने का सफर आसान नहीं रहा है। आपको बता दें कि तारा ने बॉलीवुड से पहले टीवी में भी काम किया है। उन्होंने डिज्नी के साथ एज अ वीडियो जॉकी काम किया और उसके बाद उन्होंने डिज्नी के दो हिट शोज यानी कि द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर और ओए जस्सी में भी काम किया है। तारा उन दो फाइनल एक्ट्रेसेस में से थी जिन्होंने डिज्नी की 2019 की अमेरिकन फैंटेसी फिल्म अलादीन में जैस्मिन के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था, बट फाइनली ये रोल नाओमी स्कॉट को मिला। बाद में उन्होंने पुनीत मल्होत्रा की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो मरजावा और तड़प में भी नजर आई, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ भी मिली है। अब बात करते हैं हीरोपंती 2 के एक्शन सीन्स की। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाई हीरोपंती 2 की शूटिंग रशिया, लंदन जैसे शहरों में हुई है। हीरोपंती फ्रेंचाइजी अपने एक्शन सीक्वेंस के लिए जानी जाती है और टाइगर का एक्शन और वर्कआउट करने का प्यार किसी से नहीं छुपा है। वो हर फिल्म अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं और हीरोपंती 2 इससे अलग नहीं है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हीरोपंती 2 के एक एक्शन सीन का BTS शेयर किया, जिसमें वो बहुत ही जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं हीरोपंती 2 के लिए, हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए और हम इसी वीडियो को कर... जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे पता चला है तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा कैसा रहा हीरोपंती 2 का सबसे खतरनाक एक्शन? किसने कहा कि अब इंतजार नहीं होता मूवी का? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हीरोपंती 2 मूवी से जुड़ी कई सारी ट्रीहा दर्शकों कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। बागी 2 और बागी 3 जैसी फिल्मों के बाद अब टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 लेकर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मूवी में ऐसे एक्शन देखने को मिलेंगे जो पहली स्क्रीन पर कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस मूवी में टाइगर के साथ तारा सुतारिया भी अहम भूमिका में नजर आने वाली है। टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर हीरोपंती 2 के सेट से अपनी नई फोटो शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, हीरोपंती का लेवल इस बार डबल होने वाला है। सबसे चैलेंजिंग सीन्स में से एक के लिए शूटिंग की है, इसकी झलक शेयर करने के लिए अब और वेट नहीं कर सकता। टाइगर ने बताया कि मूवी ईद के मौके पर यानी 19 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस पोस्ट पर टाइगर की गर्लफ्रेंड दिशा ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है और कहा कि वो इस मूवी को अब देखने का और इंतजार नहीं कर सकती। और ये तो बोलना ही था दिशा को, क्योंकि फैंस तो खुद भी इस मूवी को लेकर बेहद एक्साइटेड है। इस रोमांटिक एक्शन मूवी का डायरेक्शन अहमद खान ने किया है। इसमें टाइगर और तारा के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। अहमद खान इससे पहले टाइगर को बागी 2 और बागी 3 में डायरेक्ट कर चुके हैं। बता दें दर्शकों कि ये मूवी पहले मई महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मई को अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की मेरी रिलीज हो रही है। ऐसे में क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने इसे पहले ही रिलीज करने का फैसला लिया। हीरोपंती की बात करें तो इसमें टाइगर के साथ कृति जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला है तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में? क्या 2022 होगा टाइगर श्रॉफ के नाम? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसा लगता है 2022 होने वाला है टाइगर श्रॉफ के नाम। 2022 में इस अपकमिंग फेस्टिव सीजन में टाइगर श्रॉफ के पास अपने फैंस को देने के लिए बहुत कुछ है। उनकी आने वाली फिल्में हैं काफी सारी,
जिसमें से गणपत, हीरोपंती 2 जैसी फिल्में शामिल है जो बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टाइगर की हीरोपंती 2 पहले से ही टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ है। मेकर्स ने ये बताया था इस बार बॉलीवुड के इस मूवी में काफी हाई एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा, और इसे सुनकर फैंस की तो एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिल्म के एक पोस्टर में टाइगर की शर्टलेस पिक्चर अपलोड की गई है जिसमें उनके 6 एब्स नजर आ रहे हैं, और इसे देखकर फैंस तो और भी एक्साइटेड हो गए इस फिल्म को देखने के लिए। टाइगर काफी मेहनती है और डायरेक्टर अहमद खान ने काफी बार टाइगर की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। टाइगर की लगन का ही नतीजा है टाइगर बॉलीवुड यंगेस्ट एक्शन सुपरस्टार बनने जा रहे हैं। हीरोपंती 2 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और बॉलीवुड में एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया है। हीरोपंती 2 के एक्शन सीक्वेंस अब्रॉड में शूट किया जाना था, और जब भी ऐसे हाई एक्शन लेवल सीक्वेंस और स्टंट को शूट किया जाता है तो काफी मेहनत लगती है, बार बार टेक्स लेने पड़ते हैं, कई और तरह की चीजें भी होती है। पर टाइगर श्रॉफ ने हाई लेवल एक्शन सीक्वेंस को भी 2 महीने के अंदर निपटा लिया है। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्शन हीरो हैं जिन्होंने इतने हाई लेवल एक्शन सीक्वेंस को भी इतने कम समय में निपटा लिया। ये खुद में ही एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म में तारा सुतारिया भी हमें नजर आने वाली है, और वो भी एक्शन करते हुए हमें दिखेंगी। हीरोपंती 2 में अपनी आवाज दे रहे हैं लीड कंट्री सिंगर AR रहमान। फिल्म में कई अलग अलग इमोशंस के सॉन्ग भी कंपोज किए जाने वाले हैं। जहां एक तरफ हाई एक्शन सीन के तरफ काफी इंटेंस सॉन्ग कंपोज किया जा रहा है, तो वहीं पार्टी एंथम भी कंपोज किया जा रहा है। साथ ही एक इमोशनल सॉन्ग भी फिल्म के आखिर में सुनने को मिल सकता है। फिल्म से जुड़ी इतनी सारी अमेजिंग अपडेट्स आने के बाद इसमें कोई शक नहीं है 2022 होने वाला है टाइगर श्रॉफ के नाम। हर साल देखा गया है ईद के मौके पर बॉलीवुड के खान सी थिएटर पे छाए रहते हैं, पर फिल्म की न्यू रिलीज डेट को अपडेट करते हुए ट्विटर पे टाइगर ने कहा है वो इस बार अपने फैंस से मिलने वाले हैं ईद पर। टाइगर की फिल्म अगर ईद पर रिलीज होती है तो इस पर कोई भी खान हो, टाइगर उन्हें जमकर टक्कर देने वाले हैं। हीरोपंती 2 पहले थॉर से क्लैश होने वाली थी, पर बाद में मेकर्स ने अपना रिलीज डेट चेंज कर दिया क्योंकि मेकर्स इस बार हीरोपंती 2 को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब जब तक हीरोपंती रिलीज नहीं हो जाती तब तक चारों ओर इसी के चर्चे होते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, बॉलीवुड पहले कहीं नहीं देखा होगा हीरोपंती 2 जैसा एक्शन? कैसा बेंचमार्क सेट करना चाहती है मेकर्स? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ हीरोपंती 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दर्शकों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। एक साकेत जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे तेजी से उभरती सुपरस्टार के तौर पर देखा जा रहा है, एक बॉलीवुड स्टार का बच्चा जिसने अपने बचपन में घर का सामान बिकते देखा, बिस्तर की कमी में जमीन पर सोया, स्कूल में बुली हुआ, मगर जब वो बड़ा हुआ तो उसके पास आमिर खान बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेने पहुंचे। जब वो फिल्मों में आया तो उसके लुक से लेकर उसके नाम तक का मजाक बनाया गया, उसे ट्रांसजेंडर कहा गया। उस स्टार पुत्र का नाम है टाइगर श्रॉफ। आज हम टाइगर की मच एंटीसिपेटेड मूवी हीरोपंती 2 के बारे में बात करेंगे दर्शकों। पावर प्रोड्यूसर साजन नाडियाडवाला, निर्देशक अहमद खान और भारत के सबसे कम उम्र के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ एक्शन एंटरटेनमेंट में समय समय पर एक अजीब तिकरी साबित हुई है। बागी 2 और बागी 3 जैसी फिल्मों के बाद तीनों अब हीरोपंती 2 के साथ एक्शन में एक नया बेंचमार्क स्थापित करना चाहते हैं। इस बार ब्लॉकबस्टर की अगली कड़ी को एक बड़े बजट में बनाया गया है जिसमें पहले कभी नहीं देखा गया एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि साजिद नाडियाडवाला की हीरोपंती 2 में लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी लग्जरी स्पोर्ट्स कारों को तोड़ा जाएगा। इन कारों को विस्तृत एक्शन सीन्स के हिस्से के रूप में हवा में उछाला जाएगा। दर्शक
टाइगर श्रॉफ से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो मूवी के लिए कुछ एरर लेस एक्शन सीन्स करेंगे, जो अपनी पीढ़ी के इकलौते अभिनेता है जिनके पास कई आकर्षक फ्रेंचाइजी है। इस तरह के विस्तृत एक्शन सीन्स को निभाना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी, जिसमें कठिन ट्रेनिंग और प्लानिंग की आवश्यकता थी। हालांकि टीम के सफल ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी एक्शन फ्रेंचाइजी की हर किस्त को देखते हुए कोई भी कुछ हटकर उम्मीद कर सकता है, और हीरो बंदी 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही, जी हां दर्शकों ऐसा ही होगा। रोमांटिक एक्शन मूवी का निर्देशन अहमद खान ने किया है और टाइगर श्रॉफ के अलावा इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया भी नजर आने वाली है। वेल दर्शकों, आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड है? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। शादी करने वाले मंडन आर्मी के बारे में सुना है? भाई जैसे पता चला तू आया तो देख खुद तेरे स्वाद आ गया। जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहम्मद है। क्यों पंती करेगा, क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाति नहीं। बार टाइगर को मिलने वाला है तगड़ा कंपटीशन, किसकी बदौलत बने टाइगर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट स्वाति तिवारी। तो 2014 में आने वाली फिल्म हीरोपंती से जहां इंडस्ट्री को एक नया एक्शन हीरो मिला जिसका नाम है टाइगर श्रॉफ, ऐसे में जहां कई लोग ये सोचते होंगे कि शायद टाइगर श्रॉफ अपने पिता जैकी श्रॉफ की बदौलत इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल टाइगर श्रॉफ को इंडस्ट्री में लाने का श्रेय जाता है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को, क्योंकि सलमान खान ने ही अपने दोस्त साजिद नाडियाडवाला जिन्होंने हीरोपंती प्रोड्यूस की थी उनसे इस फिल्म में टाइगर को कास्ट करने की बात की थी, जिसका नतीजा आपने देख ही लिया है। और वैसे भी भाईजान किसी से कुछ कह दे और वह काम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस फिल्म से रातों रात टाइगर एक स्टार बन गए, वहीं अब आने वाला है इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी कि हीरोपंती 2। और आने वाली फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग होने वाली है हीरोपंती से। जहां हीरोपंती फिल्म एक नॉर्मल ड्रामा बेस्ड रही, वहीं इस फिल्म में टाइगर के ओपोजिट कोई दमदार विलन देखने को नहीं मिला। हालांकि प्रकाश राज को बेहतरीन विलन कहा जाता है, लेकिन हीरोपंती में वो विलन के साथ साथ बाप भी थे। यही कारण था कि उनकी बाप वाली ममता उनके विलन वाले किरदार के आड़े आ गई, जो कि उस फिल्म की मांग थी। इसीलिए उस फिल्म में ऐसा कोई खास विलन नहीं मिला, और साथ ही एक्शन के मामले में भी टाइगर की बाकी फिल्मों के कंपैरिजन कम एक्शन से भरी रही, क्योंकि इसका भी यही कारण है कि बाप ने बेटियों की ममता में आकर सब काम शांति से कर दिए। हालांकि टाइगर की पहली फिल्म के मुताबिक उसमें काफी एक्शन सीन्स थे, लेकिन आने वाली फिल्म में टाइगर के ओपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। ऐसे में इस बार देखना काफी जबरदस्त होगा कि जब एक्शन से पावरफुल हीरो एक एक्टिंग से भरपूर विलन के सामने जाएगा तो ऑडियंस किसको देखना पसंद करेगी। और इस बार बाप की ममता देखने को नहीं मिलेगी, जिससे विलन का किरदार फीका पड़े। और वैसे भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग के तो सब ही दीवाने हैं, फिर चाहे वो किक फिल्म में उनके विलन कैरेक्टर की बात हो या गैंग्स ऑफ वसईपुर में उनके दमदार एक्टिंग की। हर फिल्म में नवाज अपनी एक्टिंग से सबको सरप्राइज कर देते हैं। वैसे टाइगर श्रॉफ के लिए भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि टाइगर की तमाम फिल्मों में एक्टिंग से कम उनके हाथ पैर ज्यादा बोलते हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके ओपोजिट है, और नवाज साहब के हाथ पैर से ज्यादा उनका चेहरा और डायलॉग बोलता है। क्योंकि सलमान खान की फिल्म किक में जहां सलमान नॉर्मल एक्शंस करते दिखे, लेकिन उसमें भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कोई एक्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने सलमान के साथ साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी ज्यादा पसंद किया था। और आने वाली हीरोपंती 2 में भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी शायद ही हमें कोई दमदार एक्शन करते दिखे, लेकिन ये तो तय है कि टाइगर हमें एक्शन करते हुए नजर आएंगे, वे भी दमदार एक्शन। लेकिन अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में टाइगर ने बताया था कि नवाजुद्दीन के साथ पहले भी मुन्ना माइकल में वो काम कर चुके हैं, और उनसे उन्होंने काफी एक्टिंग भी सीखी, और मैंने उन्हें काफी ट्राई किया एक्शन सिखाने का,
ऐसे में हो सकता है कि आने वाली फिल्म में टाइगर हमें एक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी करते नजर आए। तो देखते हैं जब एक्टिंग और एक्शन एक जगह आते हैं तो क्या होता है। इसी के साथ जैसे पता चला तू आया तो देख खुद तेरे सवाल जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहम्मद है। पंती करेगा क्या करूं यार, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं। कौन से दिग्गज म्यूजिशियन का मिला साथ, किसी कर दिया समय से पहले बुड्ढा, क्या फिल्म से ज्यादा हिट होगा फिल्म का गाना। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट श्रीशा, जहाँ आज हम बात करेंगे फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाल ही में हीरोपंती 2 की शूटिंग खत्म करके तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ लंदन से वापस आए। अब फिल्म की शूटिंग भारत में ही हो रही है, ऐसे में फिल्म एक्शन से भरपूर दिखने वाली है। फिल्म में तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। फर्स्ट लुक में दोनों काफी बेहतरीन लग रहे थे, इसके साथ साथ इनके गाने भी काफी जबरदस्त होने वाले हैं। जब जब बॉलीवुड में एक्शन की बात आती है तो खिलाड़ी अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाला, इनका जिक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहीं जब जब डांस की बात आती है तो माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, प्रभु देवा और ऋतिक रोशन का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे ही जब जब म्यूजिक की बात आती है तब तब बॉलीवुड के एआर रहमान का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 में फिल्म को मिलने वाला है एआर रहमान का साथ। जी हाँ, इस बार आपको आने वाली फिल्म में एआर रहमान द्वारा कंपोज किया गया गाना सुनने को मिलेगा। एआर रहमान ने इंडस्ट्री को काफी बेहतरीन गाने दिए हैं, ऐसे में फिल्म का गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है। टाइगर श्रॉफ ने पोस्ट शेयर करते हुए अपनी खुशी जताई है, जहां वो लिखते हैं कि वह बहुत खुश है कि लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान हमारी धुन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले साल में हमें टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान और फिल्म 29 अप्रैल 2022। सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकती। अहमद खान की डायरेक्टर बागी 3 और हीरोपंती 2 कैसे होंगी अलग? क्या अहमद और टाइगर की जोड़ी फिर से बॉक्स ऑफिस पे अपना कमाल दिखा पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति तिवारी स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड सीक्वल हीरोपंती 2 के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ एंड तारा सुतारिया स्टारर हीरोपंती 2 की शूटिंग खत्म हो चुकी है। अब ये फिल्म अपने फाइनल प्रोडक्शन के स्टेज में है। ये फिल्म हमें थिएटर्स में 29 अप्रैल 2022 में देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अहमद खान ने। जी हाँ, वही अहमद खान जिन्होंने टाइगर के साथ बागी 3 भी की थी। बागी 3 कोरोना ब्रेकडाउन से कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई थी, फिर भी ये फिल्म अच्छी कमाई करने में कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फैंस को और प्रोड्यूसर्स को टाइगर श्रॉफ और अहमद खान की जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं। हीरोपंती 2 भी एक एक्शन फिल्म होने वाली है बागी 3 की तरह ही। दोस्तों, वहीं आपको बागी 3 और हीरोपंती 2 में अलग क्या है इसके बारे में भी बता देते हैं। जहां बागी 3 एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, हीरोपंती 2 के मेन स्टार टाइगर श्रॉफ ही होंगे। बागी 3 का बजट 85 करोड़ था, लेकिन हीरोपंती का बजट 50 से 60 करोड़ ही है।
वहीं बागी 3 ने वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ का बिजनेस किया था। दोस्तों बागी 3 की शूटिंग इजिप्ट, मोरक्को, सीरिया और टर्की में हुई थी। हीरोपंती 2 की पूरी शूटिंग लंदन में हुई है। बागी 3 में टाइगर के अगेंस्ट एक पूरी कंट्री थी और वो अपने भाई को बचाने के लिए उनसे लड़ रहे थे। वहीं हीरोपंती 2 में वो स्पाई का किरदार प्ले करेंगे जो मिलिट्री ट्रूप से लड़ेंगे, पर कुछ कंफ्यूजन की वजह से लोग उन्हें उसी ट्रूप के हेड समझ बैठते हैं, जिसके वजह से टाइगर इस फिल्म में खुद के लिए एक्शन करते नजर आएंगे, जिसमें उनका साथ देंगी तारा सुतारिया। जहां हीरोपंती 2 के पोस्टर रिलीज के बाद मेकर्स को बागी 3 के पोस्टर से टाइगर को फोटोशॉप करने के लिए ट्रोल किया गया था। यार अब लोग कहते हैं सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। कहां कहां हो रही है फिल्म की शूटिंग? फिल्म में कौन से और भी किरदार नजर आएंगे? क्या एक अलग स्टाइल के विलन के रूप में नजर आ सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। 29 अप्रैल 2022 को बड़े पर्दे पर अहमद खान की फिल्म हीरोपंती 2 आने वाली है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं सपोर्टिंग रोल में कुछ फॉरेन कलाकार भी नजर आएंगे, जैसे मार्क रहीनो स्मिथ, ली वेस्टविक, एम्बर डोइथ्रॉन, एल्मा टिलॉट और फिल टिलॉट। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होगी कि बंटी यानी कि टाइगर श्रॉफ रातों को लोगों की मदद करते हैं, फिर चाहे वो किसी की रोबरी को बचाना हो, किडनैपिंग को बचाना हो। जब इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो बंटी को रसिया भेजते हैं एक मिशन पर, और उस मिशन में टाइगर श्रॉफ को एक रशियन ट्रूप्स का खात्मा करना है। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, और वो ये होगा कि किसी कारण से सब उल्टा हो जाता है और सारा देश टाइगर श्रॉफ को उस ग्रुप का किंग समझ बैठता है। अब कैसे रातों रात विलन को सबके सामने लाकर और खुद को सही साबित करेंगे, इसी कहानी के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है। फिल्म में वैसे असल विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जिसके साथ टाइगर श्रॉफ पहले भी मुन्ना माइकल में काम कर चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वैसे पहले भी सलमान खान के फिल्म किक में विलन किरदार में अपना इम्प्रेशन दर्शकों पर काफी अच्छा छोड़ चुके हैं, लेकिन आने वाली फिल्म में नवाजुद्दीन काफी स्टाइलिश और जबरदस्त एक्शन करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। एक विलन का किरदार निभा रहे हैं और बताया जा रहा है कि फिल्म का एक काफी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस रशिया में शूट किया गया है। तो ऐसे में फिल्म का मेन विलन सीन में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और जब टाइगर श्रॉफ जैसे दमदार एक्शन और मार्शल आर्ट के ट्रेंड महारथी सामने हो, तो विलन को भी दमदार एक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इस बार काफी चैलेंजिंग होने वाला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए ये करना, और इसके साथ ही दर्शकों के लिए भी ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे ये रोल निभाते हैं। फिल्म की लोकेशन की बात करें तो फिल्म में आपको कॉर्नवैली रेलवे, एसेक्स, इंग्लैंड, यूके जैसी लोकेशन देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं इतने दमदार कास्टिंग के बाद फिल्म बड़े पर्दे पर 29 अप्रैल। आखिर क्यों देखनी चाहिए आपको हीरोपंती 2? क्या हीरोपंती 2 का कोई लिंक जुड़ा है हीरोपंती की कहानी से? क्या फिल्म में होगा कृति सानन का कैमियो? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में। टाइगर श्रॉफ ने कृति सानन के साथ 2015 में हीरोपंती से डेब्यू किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तब से ही फैंस को इसके सेकंड पार्ट का इंतजार भी था, लेकिन दोस्तों अब बहुत जल्द ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। हालांकि दोस्तों इस बार इसमें मेन लीड के तौर पर कृति सानन नहीं बल्कि तारा सुतारिया नजर आने वाली है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि तारा सुतारिया से पहले इस रोल के लिए सारा अली खान को फाइनलाइज किया गया था। सब फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी हो गई थी, पर फिर ड्रग केस में नाम आने के बाद उनकी काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई और नेपोटिज्म का टॉपिक भी उस वक्त एक हॉट टॉपिक था, इसलिए मेकर्स ने तुरंत सारा को तारा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि तारा ने अपने एक्टिंग करियर में अपने दम पे बनाया है और वो एक अच्छी एक्टर भी है। वो टाइगर के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी काम कर चुकी है, तो ये मानना है कि टाइगर ने ही तारा का नाम मेकर्स को सजेस्ट किया गया था। अब दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्यों देखनी चाहिए हीरोपंती 2।
अगर आप एक्शन लवर हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि टाइगर श्रॉफ एक मार्शल आर्टिस्ट चैंपियन है और उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती 2 का फर्स्ट पार्ट ही शानदार एक्शन सीन से भरपूर था और अब आने वाली फिल्म में उससे भी बड़े और मजेदार एक्शन सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका अंदाजा तो आप फिल्म के पोस्टर से ही लगा सकते हैं। ये फिल्म एक फुल्ली एंटरटेनर होगी। इसके रोमांटिक ड्रामा और पावर पैक्ड एक्शन के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रहेगी। दोस्तों बता दें कि टाइगर श्रॉफ की डांस स्किल्स से तो अब आप सब वाकिफ ही हैं, तो आई एम श्योर आप उनके डांस सॉन्ग्स को मिस नहीं करना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि जैसे कुछ फ्रेंचाइजी में ऐसा हुआ है कि कहानी जिस पर एंड होती है नेक्स्ट सीक्वल वहीं से शुरू होता है, जैसे दबंग, बाहुबली एंड मेनी मोर, पर इस सीक्वल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, हमें इस फिल्म में फिर से कृति और टाइगर की रोमांटिक जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही ये कहानी कहीं से भी अपने प्रीक्वल से जुड़ी हुई होगी। ये एकदम फ्रेश न्यू कहानी होने वाली है। हम बता दें कि ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में होगी जो रात को लोगों की मदद करता है, चाहे वो किसी रॉबरी से हो या किडनैपिंग से, और वो सबको बचाता है। जब गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसे एक मिशन पर रशिया भेजती है जहाँ उसे रात में रशियन ट्रूप्स को मारना होता है, लेकिन तभी कुछ गलत हो जाता है और पूरी दुनिया को ये लगता है कि वो रशियन ट्रूप्स का लीडर है, लेकिन वो इस बात को गलत प्रूफ करता है और अंधेरे में बाकी सभी रशियन ट्रूप्स को मारता है। दरअसल ये एक कोरियन फिल्म अकंपनी मान का रीमेक होगी जो 2012 में रिलीज हुई थी। दोस्तों वो एक बड़ी हिट साबित हुई थी, वहाँ के लोगों ने इसे खूब पसंद किया था, जिसकी सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने इसका हिंदी अडॉप्शन करने का सोचा है। और क्योंकि ये फिल्म एक्शन से भरपूर थी तो टाइगर श्रॉफ मेकर्स की पहली चॉइस थे। इसे हीरोपंती 2 के नाम से बनाया गया क्योंकि हीरोपंती का एंड एक हैप्पी एंडिंग के तौर पर हुआ था, जिसके आगे खींचना पॉसिबल नहीं था और इसलिए नई कहानी के लिए मेकर्स ने इसे चुना है। आपको बता दें कि क्योंकि हीरोपंती फिल्म टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन की डेब्यू फिल्म है और अब दोनों एक्टर्स बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, तो ये फिल्म उन दोनों के दिल के बहुत करीब है। ये बताया जा रहा है कि कृति सैनन इस फिल्म में कैमियो कर सकती हैं और कृति इस फिल्म में 5 से 10 मिनट का कैमियो करेंगी, या हो सकता है कृति सैनन इस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग करे जैसे आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में किया था। ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हीरोपंती के बाद कृति सैनन और टाइगर श्रॉफ अब तक दोबारा स्क्रीन पे। नवाज कैसे देंगे विनोद खन्ना को ट्रिब्यूट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। दोस्तों टाइगर श्रॉफ लगातार अपनी फिल्मों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी एक्शन से भरी फिल्में उनकी आने वाली हैं, रोमांटिक जॉनर की भी फिल्में करेंगे टाइगर। और आपको बता दें हीरोपंती 2 के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। तारा सुतारिया के साथ एक बार फिर से जोड़ी दिखेगी बड़े पर्दे पर और जब खबर आई कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो चुकी है तो सोने पे सुहागा हो गया मान लीजिए। और अब नवाज ने भी अपनी भूमिका को लेकर खुलासा किया और कहा कि मेरा किरदार जो है वो विनोद खन्ना से कनेक्शन रखता है, ऐसे में विनोद खन्ना के फैंस भी खुश हैं। और कहा कि ये जो मेरा काम होगा वो दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना जी को श्रद्धांजलि होगा। नवाज कहते हैं कि इस फिल्म में उन्होंने अभिनय से हैंडसम विनोद खन्ना को ट्रिब्यूट दिया है। नवाज ने कहा उनके चलने का एक अलग तरीका था, वो और अभिनेताओं के पास नहीं था और यही वॉक मैं चुराने वाला हूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा उनके चलने का जो तरीका था वो कुछ मर्दाना झलक देता था और उनकी वॉक मैंने इस्तेमाल की है और उम्मीद है कि विनोद खन्ना जी के जितने भी फैंस हैं उन्हें ये बात बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। यानी कि अब हीरोपंती 2 का वजन ऑलरेडी बढ़ चुका है, नवाजुद्दीन जैसे एक्टर इस फिल्म में है जो कि वर्सेटाइल है, जब भी स्क्रीन पर आते हैं विलन बनते हैं, सिहरन पैदा होती है, कॉमेडी करते हैं, हंसते हंसते पेट दर्द होता है, बहुत मजा आता है उन्हें स्क्रीन पर देखने में और अब इस फिल्म से तहलका मचाने को तैयार है। टाइगर श्रॉफ की बात करें तो एक्शन अलग लेवल का होगा, रोमांस करते नजर आएंगे तारा सुतारिया के साथ, अहमद खान इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में बहुत कुछ खास होने वाला है इस बार। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख,
मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा फिल्म के बजट पर क्या है अनुमान? क्या इस बार फिल्म का बजट होगा हाई? कौन ले जाएगा फिल्म को एक लेवल पर? जल्द ही अहमद खान के डायरेक्शन में बन रही फिल्म हीरो पंती 2 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में अपना धमाल मचाने वाली है। ऐसे में फिल्म के लीड हीरो यानी कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, फिर चाहे वो स्टंट्स की बात हो या फिर फिल्म में उनकी एक्शन की। हीरो पंती 2 के पहले पार्ट यानी कि हीरो पंती फिल्म का बजट 25 करोड़ का था, लेकिन फिल्म ने 72 करोड़ की कमाई की थी। बताया जा रहा है कि इस बार इसके दूसरे पार्ट का बजट थोड़ा हाई होने वाला है, क्योंकि हीरो पंती फिल्म जहाँ इंडिया में ही शूट हुई थी और ज्यादा उस फिल्म में VFX से काम नहीं नजर आए, न ही फिल्म में उस लेवल के एक्शन सीन देखने को मिले। जहाँ एक तरफ हीरो पंती फिल्म टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म थी, तो इसके चलते टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए इतनी फीस भी नहीं मांगी होगी। लेकिन टाइगर श्रॉफ बन चुके हैं एक्शन हीरो, तो अपनी आने वाली फिल्म हीरो पंती 2 जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, तो लाजमी है कि इस बार टाइगर श्रॉफ ने पहले के मुकाबले अपनी फीस फिल्मों के लिए बढ़ाई होगी। और सुनने में आ रहा है कि आने वाली फिल्म में VFX काफी तगड़ा होने वाला है, और इस फिल्म में संजना कृष्णन रविचंद्रन जो पहले भी नोटा बागी 3 जैसी फिल्मों में अपने VFX का कमाल दिखा चुके हैं, और अब इस बार वो टाइगर श्रॉफ की हीरो पंती 2 में अपने VFX का कमाल दिखाने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ जिस फिल्मों में आए हैं उन फिल्मों में टाइगर श्रॉफ ने काफी दमदार एक्शन और स्टंट दिखाए हैं, फिर चाहे वो बागी फ्रेंचाइजी हो या फिर आने वाली हीरो पंती 2। ऐसे में रिसेंट में आई फिल्म बागी 3 में दर्शकों ने फिल्म के VFX को काफी मिक्स रिएक्शन दिए, क्योंकि कुछ ऑडियंस को फिल्म में टाइगर श्रॉफ के स्टंट देख ऑथेंटिसिटी की कमी लगी, वहीं कई ऑडियंस ऐसे थे जिन्होंने वही स्टंट को देखकर टाइगर श्रॉफ के फैन बन गए। तो इस बार देखना ये है क्या कृष्णन रविचंद्रन अपने VFX के जरिए फिल्म को एक लेवल ऊपर ले जाने में सक्सेसफुल साबित होते हैं या फिर नहीं। वही फिल्म का बजट हाई होने का रीजन एक और ये भी है कि इस बार आपको हीरो पंती 2 में इंटरनेशनल लोकेशन देखने को मिलेंगे, और जहाँ हीरो पंती फिल्म को साजिद नाडियावाला ने डायरेक्ट किया था, वही इस बार हीरो पंती 2 को अहमद खान डायरेक्ट करेंगे और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडियावाला। तो अभी तक तो ये तो नहीं रिवील हो पाया कि इस बार फिल्म का बजट कितना होगा, लेकिन ये तो तय है कि इस बार फिल्म 25 करोड़ से अधिक। क्या कर रहे हैं? पागल है क्या? अभी तक तो नहीं सोचा था, अब लगता हो जाऊंगा। पता है तुझे यहाँ क्यों, क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूँ। क्या फिल्म को हो सकता है भारी लॉस? क्या फिल्म की रिलीजिंग डेट में आएगा बदलाव? सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो जहाँ 2020 से थिएटर्स पर भारी रोक के बाद हाल ही में थिएटर्स को खोला गया, जिसके बाद 22 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र में थिएटर खोलने की खबर आई तो बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट सामने आई, जिसके बाद टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की आने वाली फिल्म हीरो पंती 2 के मेकर्स ने भी अपनी फिल्म की रिलीजिंग डेट का ऐलान कर दिया था। फिल्म की रिलीजिंग डेट फिक्स हुई ईद के दिन यानी 29 अप्रैल 2022 को। ऐसे में जिस खुशी के चलते मेकर्स ने रिलीजिंग डेट फिक्स की, अब लग रहा है वापस से रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ाना होगा। दरअसल 2020 में जब कोरोना वायरस महामारी आई उसके चलते कई चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगे, ऐसे में जहां थिएटर्स को बंद किया गया, जिसके चलते फिल्मों को काफी भारी नुकसान हुआ और उन्हें बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म ना उतार के OTT प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ा। आने वाली फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म पहले भी महामारी की चपेट में आ चुकी है, और वहीं टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 जो थिएटर्स में तो लगी लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, और उसके बाद थिएटर से उतर गई, और महामारी के डर से दर्शकों ने उस हिसाब से फिल्म नहीं देखी, जिसका सीधा सीधा असर फिल्म की कलेक्शन पर पड़ा। ऐसे में वापस से जहां कई चीजों पर वापस से रोक लगाई जा रही है,
क्योंकि फिर से एक बार वायरस बढ़ता दिख रहा है। तो हो सकता है आने वाले महीनों में अगर ये वायरस नहीं रुका तो शायद फिर से वही 2020 वाली स्थिति 2022 में सबको झेलनी होगी। ऐसे में वापस से अहमद खान दोबारा वही जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। तो हो सकता है हमें आने वाली फिल्म की रिलीजिंग डेट में बदलाव नजर आए। आपको बता दें फिल्म में टाइगर श्रॉफ के संग तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी और विलन के रोल में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिलेंगे। अहमद खान फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और साजिद नाडियाडवाला फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पागल है क्या? अभी तक तो नहीं सोचा था, अब लगता हो जाऊं। पता है तुझे यहां क्यों? क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा। कैसे अलग होंगी गणपत और हीरोपंथी 2? किस तरह हीरोपंथी 2 के टाइगर अलग होंगे गणपत के टाइगर से? क्या ऑडियंस की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे टाइगर श्रॉफ? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। दोस्तों, साल 2022 में टाइगर श्रॉफ की दो फिल्में आने वाली हैं, पहली हीरोपंथी 2, दूसरी गणपत। दोनों ही फिल्मों के लिए उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आपको टाइगर श्रॉफ के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस दोनों ही फिल्मों में देखने को मिलेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि दोनों फिल्में कैसे अलग होंगी एक दूसरे से? हीरोपंती की कहानी कुछ इस प्रकार होगी। एक ऐसे लड़के के बारे में जो रात को लोगों की मदद करता है, चाहे वो किसी रॉबरी से हो या किडनैपिंग से, वो सबको बचाता है। जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे एक मिशन पर रशिया भेज देते हैं, जहां उसे रात में रशियन ट्रूप्स को मारना होता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ गलत हो जाता है और पूरी दुनिया को लगता है कि वो रशियन ट्रूपर्स का गैंग लीडर है। लेकिन वो इस बात को एंड में गलत साबित करता है और अंधेरे में बाकी रशियन ट्रूप्स को वो मारता है। ये कहानी गवर्नमेंट और देश की सुरक्षा से जुड़ी है, जिसमें हमें टाइगर के साथ नजर आएंगी तारा सुतारिया। इस फिल्म का एक्शन वेपन्स के साथ होगा। वहीं बात करें फिल्म गणपत की, तो गणपत में टाइगर के साथ नजर आएंगी उनकी पहली लीडिंग लेडी कृति सेनन। हीरोपंती के बाद दोनों दूसरी बार साथ में काम करने जा रहे हैं। हीरोपंती में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था। साथ ही गणपत एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। जी हाँ, ये फिल्म दो पार्ट्स में बनेगी, जिसमें टाइगर एक बॉक्सर का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो मुंबई में रहता है और बॉक्सिंग करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइगर श्रॉफ के फादर का रोल निभाएंगे खुद उनके रियल लाइफ फादर जैकी श्रॉफ। ये इतिहास में पहली बार होगा कि जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ एक साथ एक ही पर्दे में एक ही फिल्म में दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म टाइगर की अब तक की हिट फिल्मों से सबसे हटकर होगी। इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म एक मॉडर्न और अप टू डेट फिल्म होगी, जो टाइगर श्रॉफ की अब तक की हिट फिल्मों से एकदम हटकर होगी। इस फिल्म को मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को देखते हुए बनाई गई है। ये फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करेगी और इसमें काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। इन सब बातों को सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि ये फिल्म हीरोपंती से भी अच्छी होने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई, जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा? बे, चुपचाप निकल जा यहां से, हमारे झगड़े में ना पड़। देवगन से कम खतरा है टाइगर श्रॉफ को। किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुकी है हीरोपंती 2? सो हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, एक फिल्म
फिल्म को बनाने में हमें कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पहले शुरू होती है परफेक्ट स्क्रिप्ट की खोज। अगर किस्मत ने आपका साथ दिया और आपको वो परफेक्ट स्क्रिप्ट मिल भी गई, तो रुकिए, अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं। उसके बाद होती है फिल्म के लिए सबसे बेहतरीन कास्ट की खोज शुरू। ना जाने कितने स्क्रीन टेस्ट, ऑडिशंस और रिहर्सल्स के बाद अगर आपको फिल्म के लिए सबसे बेहतरीन कास्ट मिल भी जाए, तब भी आपके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते हैं। फिल्म के लिए बेस्ट लोकेशंस की खोज शुरू हो जाती है और लगता है कि टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 को अच्छी खासी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। जहां फिल्म को लोकेशंस के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, हीरोपंती 2 का पहला शेड्यूल मुंबई में शूट किया गया था, जबकि फिल्म के मेकर्स चाहते थे कि वो फिल्म को फॉरेन लोकेशंस पर ही शूट करें, लेकिन कोविड के हालात की वजह से पहले के कुछ सीन्स को ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट किया गया था। टाइगर ने एक बड़े एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग मुंबई में ही की थी, जिसके एक हफ्ते बाद लीडिंग लेडी तारा सुतारिया टीम में शामिल हुई थी। उसके बाद फिल्म को रिलीज डेट को भी लेकर काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 6 मई 2022 को रिलीज होने वाली थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्म थॉर लव एंड थंडर से मुकाबला करने वाली थी। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ की अहम भूमिका है। ये एक मार्वल फिल्म है। अब जैसे ही ये खबर सामने आई कि थॉर लव एंड थंडर का क्लैश हीरोपंती 2 से होगा, टाइगर के फैंस और फिल्म मेकर्स डर गए, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि मार्वल की फिल्म्स के आगे बॉलीवुड का टिकना काफी मुश्किल है। अब इतना बड़ा खतरा मोल लेने से अच्छा है कि एक छोटा खतरा मोल ले लिया जाए, क्योंकि हीरोपंती भी सामने वाले को देख कर दिखानी चाहिए और कुछ ऐसा ही किया टाइगर ने भी। हीरोपंती 2 की रिलीज को प्रीपोन कर दिया गया और अब ये फिल्म ईद की वीकेंड यानी कि 29 अप्रैल 2022 के दिन रिलीज की जाएगी। लेकिन अब इसका सामना होगा एक छोटे खतरे से। ये टाइगर श्रॉफ की पहली ईद रिलीज होगी। टाइगर की एक्शन फिल्मों का क्रेज देखकर माना जा सकता है कि ये एक धमाकेदार पारी हो सकती है। खैर, ईद पर टाइगर अकेले नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसी दिन रिलीज हो रही है अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत स्टारर फिल्म रनवे 34। कोई शक नहीं है कि इन दो बड़ी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अब चाहे अजय देवगन टाइगर श्रॉफ के लिए क्रिस हेम्सवर्थ से एक छोटा खतरा है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई, जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा बस, निकल गई तेरी सारी हीरोपंती। किस मिशन के लिए जाएंगे टाइगर? रशिया। क्या है अजय देवगन और टाइगर का रशिया कनेक्शन? सो हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो टाइगर श्रॉफ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी हर फिल्म में हमें अपने एक्शन स्टंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी से इम्प्रेस किया है। टाइगर ने अभी तक अपनी हर फिल्म में अलग अलग किस्म के किरदार निभाए हैं, चाहे वो उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती में एक चुलबुले लड़के का किरदार हो या फिर बागी में एक ऐसे मार्शल आर्ट स्टूडेंट का जो सीखने के मूड में नहीं होता लेकिन आगे जाकर एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। टाइगर की कई फिल्मों में हमें उन्हें कॉमेडी के साथ साथ एक्शन तो करते हुए देखा ही है हमने, लेकिन अब लगता है कि अपने करियर के साथ साथ उनके किरदार भी मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि जल्द ही टाइगर श्रॉफ अपने डेब्यू फिल्म हीरोपंती के सीक्वल में देखे जाएंगे और साथ ही इस फिल्म में वो हमें लोगों की मदद करते हुए दिखने वाले हैं। जी हाँ, हीरोपंती 2 फिल्म की स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो रात में लोगों की मदद करता है, चाहे किसी को लूट से बचाना हो, किडनैपिंग से बचाना हो, वह इंसान हमेशा पहुंच जाता है। जब इसके बारे में भारत सरकार को पता चलता है तो सरकार उसे रूस भेज देती है। रूस में उसका मिशन रात को रूस के सैनिकों को मारना होता है, लेकिन बस एक गलती की वजह से दुनिया को लगता है कि वह रूस सैनिकों का नेता है।
फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वह दुश्मनों को हराने के लिए तथा सबको गलत साबित करने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल करते हैं। इस फिल्म में हमें दुनिया भर के कई सुंदर लोकेशंस को देखने का भी मौका मिलेगा। इस फिल्म के लिए रशिया और लंदन में शूटिंग की जा चुकी है और हो सकता है कि फिल्म के गानों के लिए फिल्म मेकर्स और भी कई फॉरेन लोकेशंस की शूटिंग को बड़े पर्दे पर दिखाएं। ये फिल्म सुपरहिट तो होगी ही, लेकिन फिल्म के रिलीज से ही पहले फिल्म को एक बड़े रोड़े का सामना करना पड़ेगा और इस रोड़े का नाम है अजय देवगन। हाल ही में टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 और अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 की रिलीज का ऐलान हुआ है। ये दोनों फिल्में अप्रैल में ईद वीकेंड पर रिलीज हो रही हैं। इन दोनों फिल्म के क्लैश के साथ साथ एक और चीज कॉमन है और वो है रशिया। जी हाँ, हाल ही में अजय देवगन की भी रनवे 34 की शूटिंग के लिए रशिया गए थे, तो इन दोनों फिल्मों में काफी कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। फैंस इन फिल्मों के ऐलान होने के बाद काफी एक्साइटेड हैं। देखना हो जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा बे, चुपचाप निकल जा यहां से, हमारे झगड़े में ना पड़। तारा से ओपोजिट है उनका किरदार, क्या रोमांस से ज्यादा दिखने वाला है हीरोपंती 2 में एक्शन? कैसे किया तारा सुतारिया ने अपनी फिल्मों को कंपेयर? सो हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। आपने हीरोपंती फिल्म तो देखी ही होगी, और अगर आपने नहीं देखी तो आपने इस आइकॉनिक फिल्म के गाने तो सुने ही होंगे। हीरोपंती फिल्म ने हमें दिए थे आज के फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सितारे। एक तरफ इस फिल्म ने लॉन्च किया था टाइगर श्रॉफ को, जो आगे जाकर बन गए सुपरहिट फिल्मों के लिए फेमस, चाहे वो इनकी फ्रेंचाइजी हो यानी कि बागी या फिर ऋतिक रोशन के साथ सुपर डुपर हिट फिल्म वॉर। टाइगर श्रॉफ आज के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्स में से एक है। वहीं दूसरी ओर हीरोपंती ने हमें दिया कृति सैनन, जो आगे जाकर अपनी एक्टिंग स्किल से मिम्मी जैसी वन वुमन मूवी देकर ऑडियंस के दिलों पर छा गई हैं। टीवी से फिल्मों में सफल छलांग लगाने वालों में तारा सुतारिया का भी नाम आता है। उनकी टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती 2 शूटिंग की फेज में है। जॉन और अर्जुन के साथ एक विलन रिटर्न्स का शेड्यूल भी पूरा हो चुका है। हाल ही में उन्होंने अपने अलग किरदारों को कंपेयर करते हुए कहा कि हीरोपंती 2 का शूटिंग शेड्यूल बहुत बाकी है, कम से कम 40 दिन का शेड्यूल बचा हुआ है। उसमें मैंने असल तारा से ठीक उलट किरदार प्ले किया है। वहां तारा फन और लाइट अवतार में देखने को मिलेगी, असल जीवन में मैं बहुत शाय हूँ। हीरोपंती 2 में एक लाइट और फन लविंग तारा को लोग देखेंगे। अब हम तो अभी तक तो नहीं सोचा, अब लगता हो जाऊं। पता है तुझे आज यहां क्यों, क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता। सच कह रहा हूं, वैसे आप सभी को पता ही होगा कि टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती के पहले पार्ट से ही अपने करियर की शुरुआत की थी।
आने वाली फिल्म की अगर बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर रजत अरोड़ा ने बताया है कि ये अब तक की हमारे द्वारा बनाई गई सबसे मॉडर्न और अप टू डेट फिल्म है। ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की अब तक के सबसे हिट फिल्मों में से एक कदम हटकर होगी। हमने इसे मॉडर्न प्रॉब्लम और मॉडर्न सॉल्यूशन को देखते हुए बनाने की कोशिश की है। तो लग रहा है कि इस बार फिल्म में एक्शन काफी तगड़े होने वाले हैं और टाइगर श्रॉफ जिस फिल्म में हो उसमें तो एक्शन सारे लेवल पार ही कर जाते हैं। वही दूसरी ओर से टाइगर का लुक जो सामने आ रहा है अगर वो देखे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का टाइगर जो हीरो होगा इस पिक्चर में वो काफी अमीर और हाई क्लास का हीरो होगा। जी हाँ, हमने पहले पार्ट में काफी टपोरी स्टाइल का टाइगर देखा था, वही इस बार दूसरे पार्ट में हमें सूट बूट पहने वाला टाइगर देखने को मिलने वाला है। बात फिल्म की हीरोइन की करें तो इस बार टाइगर संग कृति की जगह तारा सुतारिया नजर आने वाली है। बताया जा रहा है कि पहले मेकर्स कृति को भी इस फिल्म में लेना चाहते थे लेकिन इनके बिजी शेड्यूल के चलते कृति को इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना पड़ा था। ऐसे में कृति काफी बिजी चल रही है और इस समय इन दिनों कृति के झोली में सबसे ज्यादा फिल्में आकर गिर रही हैं, जिसमें एक्शन कॉमेडी फिल्म बच्चन पार्टी, माइथोलॉजिकल फिल्म आदि पुरुष और मॉन्स्टर कॉमेडी फिल्म भेड़िया, एक्शन फिल्म गणपत और शहजाद भी आने वाले हैं। अब आने वाली हीरोपंती 2 जहां 6 मई को रिलीज होने वाली थी और अब वही फिल्म क्रिस हेम्सवर्थ और नैटली पोर्टमैन के साथ जहां क्लैश होने वाली थी, जिसके चलते मेकर्स ने अपनी रिलीजिंग डेट में एक बदलाव लेकर आए हैं और अब फिल्म आपको थोड़ा और जल्दी यानी कि 29 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, 29 अप्रैल 2022 को ये फिल्म। क्यों होती है सीक्वल की जरूरत? सीक्वल क्यों नहीं खरे उतरे उम्मीदों पर? क्या तारा का एक्शन बचाएगा इस फिल्म को? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची, योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक किसकी सांसें चलेंगी। फिल्म शोले का ये डायलॉग सिनेमा के सीक्वल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी है। मतलब स्पष्ट है, जब भी कोई फिल्म हिट होगी तो मेकर्स उसकी सीक्वल बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे, भले ही वो फिल्में हो, सीरियल हो या फिर रियलिटी शोज हो। पुराने एग्जांपल ही देख लीजिए, सीक्वल हर उस फिल्म के नजर आएंगे जिसे फैंस ने उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस दिया है, भले ही चाहे वो फिल्म धूम हो या फिर क्रिश। धूम के मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म युवाओं के बीच इतनी हिट हो जाएगी। लिहाजा सीक्वल आया धूम 2, वो भी हिट। तीसरा पार्ट आया, वो भी हिट। यानी सीक्वल जब तक हिट होते रहेंगे मेकर इसकी सीक्वल बनाते ही रहेंगे, जैसा कि हमने अभी तक देखा है, रेस हो या फिर गोलमाल हो। कुछ ऐसा ही हाल रियलिटी शोज का भी है, यही कारण है कि बिग बॉस 15 आया है। टीवी शोज के साथ वेब सीरीज भी इस मामले में आगे चल रहा है, चाहे फिर वो सेक्रेट गेम हो या फिर मिर्जापुर हो, सभी के दूसरे सीजन आ गए हैं या फिर तमाम ऐसे सीरीज हैं जिनके दूसरे पार्ट आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी और परेश रावल स्टारर फिल्म हंगामा 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीद थी लेकिन ये फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि हंगामा 2 के फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड में आने वाले सीक्वल को देखने के लिए ऑडियंस अब उतने ज्यादा एक्साइटेड ना हो और लोगों के इस डर को सत्यमेव जयते 2 और बधाई 2 जैसे सीक्वल ने पूरा कर दिया। इनकी ओपनिंग डे की कमाई ये बताती है कि इस फिल्म की कहानी लोगों को ज्यादा लुभा नहीं पाई। बंटी और बबली भी अपने समय की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म थी पर इसकी भी सीक्वल फ्लॉप रही। इसके सीक्वल में शालवरी, सिद्धांत चतुर्वेदी, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी हमें दिखाई दी थी। अब फैंस को सिर्फ एक सीक्वल से उम्मीद है और वो है हीरोपंती 2। हीरोपंती की कहानी हीरोपंती 2 के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आने वाले हर मसले को टाइगर एक स्पाई की तरह सॉल्व करेंगे। क्या आप भी हीरोपंती की एंडिंग को हीरोपंती की स्टार्टिंग में देखना चाहते हैं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। टाइगर श्रॉफ के धुआंधार एक्शन को देखने के लिए उनके दीवाने फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है, जिसमें अब की बार तारा सुतारिया भी टाइगर श्रॉफ के साथ। जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए।
जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा। बे, चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमारे झगड़े में ना पड़। लंदन में क्या कर रही हैं टाइगर श्रॉफ? बिना शर्ट के क्या किया टाइगर ने और क्या हुआ टाइगर के एक्शन पर रिएक्शन? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ रश्का त्यागी। हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना। आजकल हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर काफी सजग है। फिट रहना आजकल एक ट्रेंड बन गया है। इस ट्रेंड में सबसे पहले सलमान खान का नाम आता है क्योंकि उन्होंने ही फिल्म इंडस्ट्री में फिटनेस और जिम की शुरुआत की थी। इसके बाद इस दौड़ में हर एक्टर शामिल होता रहा जिसमें ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे एक्टर्स भी बदलते रहे, उसी में टाइगर का नाम भी शुमार है। और क्योंकि टाइगर एक यूथ है और यूथ के फेवरेट स्टार की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर टाइगर शामिल है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फिटनेस फ्रीक है, ये सभी जानते हैं। काम का कितना भी बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, वो अपने फिटनेस रूटीन को हर रोज फॉलो करते हैं। टाइगर इस वक्त यूके में अपनी फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि शूटिंग से पहले उन्होंने -1 डिग्री टेम्परेचर में शर्टलेस होकर दौड़ लगाई। टाइगर ने इसका वीडियो शेयर किया था कि जिसे देख सेलेब्स और फैंस उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ ठंड में गर्म पानी से भी नहाने में 2 बार सोचा जाता है और ये शॉट्स में बर्फीली सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं जो वाकई काबिल तारीफ है। कड़ाके की ठंड में टाइगर का यूं बिना शर्ट के दौड़ लगाना वाकई हिम्मत की बात है। उन्होंने इसे शेयर किया और लिखा, थोड़ा नेचर साइक्रोथेरेपी मेरे दिन की शुरुआत के लिए #1 डिग्री में। पार्क के बीच ठंड में टाइगर को येलो शॉर्ट्स, आंखों पर चश्मा और शूज पहनकर रनिंग करते हुए देखा गया था। दोस्तों बता दूं कि उनके इस वीडियो को देखकर कई लोग हैरानी जताते हुए देखे गए। एलियाब्राम ने चौंकने वाले इमोजी के साथ लिखा, ओके नेक्स्ट लेवल। तो वहीं दोस्तों राहुल देव ने लिखा था कि सुपर्ब। रतुलप्रीत ने लिखा था कि वो इतनी ठंड में कैसे। दिशा पटनी ने भी लोल लिखकर रिएक्ट किया था। वहीं फैंस भी टाइगर की इस हिम्मत को देखकर दंग है। खैर अब बात करें फिल्म की, दोस्तों हीरोपंती 2 का ये दौड़ वाला सीक्वेंस हमें फिल्म के फ्लर्ट वाले सीन में देखने को मिल सकता है जिसमें टाइगर एक स्पाई मिशन पर होंगे। जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। ये फर्स्ट लुक से लग रही है हीरोपंती 2 एक हॉलीवुड फिल्म। कैसे किया बॉलीवुड सेलेब्स ने टाइगर श्रॉफ के लुक पर रिएक्ट? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन और लगता है कि ये सही ही कहा जाता है क्योंकि पहले इम्प्रेशन से ही हमें पता लगता है कि हम किसी चीज से कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। खासकर फिल्म इंडस्ट्री में पहले इम्प्रेशन की काफी अहमियत है। अगर किसी फिल्म का पहला लुक ऑडियंस को पसंद आ जाता है तो वो फिल्म हिट हो सकती है और इसलिए आजकल के डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स इस बात का काफी ध्यान रखते हैं कि उनके फिल्म का फर्स्ट लुक ऑडियंस को पसंद आए और उन्हें फिल्म देखने के लिए मजबूर कर दे। अब प्लान तो हीरोपंती 2 के मेकर्स का भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन लोगों को हीरोपंती 2 के फर्स्ट लुक को देखकर कुछ और ही लगा है। तो क्या था ऐसा फिल्म के फर्स्ट लुक में, चलिए हम आपको बताते हैं। फिल्म के पोस्टर से साफ है कि फिल्म में एक्शन का स्तर काफी ऊपर होने वाला है। साथ ही फिल्म की टैगलाइन है द वर्ल्ड वांट्स हिम डेड। पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छा गया था। दोस्तों बता दूं कि टाइगर की बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी एक्शन और स्टंट से भरी होने वाली है। पोस्टर रिलीज होते ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये किसी फिल्म की रीमेक है। वहीं पोस्टर को भी लोग एक हॉलीवुड फिल्म के पोस्टर लुक की कॉपी बता रहे हैं। वैसे दोस्तों इससे पहले बता दूं कि टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म रैम्बो के बारे में भी बात कर चुके हैं। बेशक टाइगर को उनके पसंदीदा अवतार में देखना उनके फैंस के लिए एक ट्रीट होगा, लेकिन पंच और किक्स के साथ उनको फिल्म की कहानी पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों बता दूं कि हीरोपंती 2 में टाइगर का लुक लोगों ने काफी पसंद किया है और इस लुक को जैकी दादा ने भी अप्रूव कर दिया है। दोस्तों बता दूं कि टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से 2 तस्वीरें शेयर की।
और दोस्तों इन तस्वीरों में टाइगर बेहद ही कूल लुक में नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि फोटोज में टाइगर व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर के ट्राउजर पहने दिख रहे हैं और साथ ही उन्होंने डार्क सनग्लासेस भी पहने हुए हैं जो उनके लुक को स्टाइलिश बना रहा है। उनकी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर उनके फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी बेहद पसंद कर रहे हैं और कॉमेंट कर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। फोटो पर उनकी माँ आयशा श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ ने फायर के इमोजी कमेंट किए हैं और जैकी दादा ने अपना अप्रूव। जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा। क्या किया लंदन सीक्वेंस के लिए टाइगर ने? क्या रही टाइगर की डाइट? क्या दिक्कतें आई लंदन में शूट करने में? टाइगर श्रॉफ को हीरोपंती 2 के पोस्टर्स और उनके लुक के लिए काफी तारीफ मिल रही है। टाइगर की पिछली फिल्म वॉर के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी और लोगों को बेहद पसंद आई थी। टाइगर अब हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया के साथ हमें दिखने वाले हैं। अगर आपको टाइगर की तरह बॉडी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हीरोपंती 2 के दौरान टाइगर अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए काफी कठिन परिश्रम किया था और वर्किंग सेशन शुरू किया था ताकि उनकी शरीर की नसें साफ दिखाई दे सके। टाइगर ने इस फिल्म के लिए अपने बॉडी फैट को 6% तक कम किया। हीरोपंती 2 के पोस्टर्स को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। लोग काफी एक्साइटेड हैं टाइगर को बड़े पर्दे पे देखने के लिए। वो चाह रहे हैं जल्द से जल्द हीरोपंती रिलीज हो और वो अपने फेवरेट स्टार को थिएटर में देख पाएं। बता दें टाइगर की बॉडी फैट 10-12% तक था। एक इंसान के लिए 6% या फिर 6% से कम बॉडी फैट प्राप्त करना बेहद मुश्किल है क्योंकि एक निश्चित फैट के बाद बॉडी अपना खुद ही शेप लेने लगती है जिसके बाद भूख लगना बंद हो जाती है जो मेटाबॉलिक रेट को कम करता है। टाइगर इस फिजिक को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट आहार और डेली जिम करते थे। उनके खान पान में ओट मील के साथ 8-10 अंडे का व्हाइट पान शामिल था। दोपहर के खाने में उबले चिकन और सब्जियों के साथ ब्राउन राइस शामिल किए। टाइगर दिन भर ड्राई फ्रूट्स और नट्स को स्नैक के तौर पर खाते थे। उनके शाम के नाश्ते में एक प्रोटीन शेक शामिल था। दिन के लास्ट मील में उन्होंने मछली और ब्रोकली को शामिल किया। बता दे टाइगर को राज ढोले ने ट्रेनिंग दी थी। टाइगर ने इस फिल्म को लंदन में शूट करने पर कहा कि लंदन में शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मौसम वहाँ बहुत ही अजीबोगरीब था। बिना शर्ट के लुक के लिए मुझे अपने बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को पूरी तरीके से खत्म करना था। 3 डिग्री के तापमान में महत्वपूर्ण क्लाइमेक्स सीन को 45 दिनों के लंबे एक्शन शेड्यूल में शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट था और टाइगर केवल शूटिंग के पहले और बाद में जिम कर सकते थे। तो जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। कैसे बने टाइगर सुपरहिट? क्या टाइगर देंगे हीरोपंती 2 से बाकी एक्टर्स को टक्कर? कैसे टिक पाए टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री में 7 साल? टाइगर श्रॉफ ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान वे कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाते हुए दिख गए हैं। टाइगर अपने एक्टिंग, एक्शन, स्टंट और जबरदस्त डांस मूव्स के लिए काफी मशहूर है और यही वजह है कि अभिनेता की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। बच्चों के बीच भी टाइगर श्रॉफ बहुत फेमस है। टाइगर सबसे पहले साल 2014 में फिल्म हीरोपंती में कृति सैनन के साथ नजर आए थे। टाइगर श्रॉफ एक ऐसे एक्टर है जिन्हें अपने करियर की शुरुआत में हीरोपंती फिल्म के बाद ऑडियंस से काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। जहां एक तरफ ऑडियंस को फिल्म में टाइगर श्रॉफ के एक्शन और उनके स्टंट्स काफी पसंद आए थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने टाइगर श्रॉफ के लुक्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और उन्हें लड़की जैसा कहा जाने लगा था। यहां तक कि कुछ लोगों ने टाइगर को करीना कपूर के साथ भी कंपेयर किया था। टाइगर लेकिन कभी रुके नहीं और आज के समय पर वो बॉलीवुड के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्स में से एक है
जिन्हें एक के बाद एक सक्सेसफुल फिल्मों में देखा गया। टाइगर श्रॉफ एक कंप्लीट पैकेज है जो ऋतिक रोशन के डांस मूव, सलमान खान की दबंगई और शाहरुख खान के रोमांस को एक साथ पर्दे पर लेकर आते हैं और लगता है कि उन्हें टक्कर देने के लिए अब वो अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंती के सीक्वल को लेकर फिर से आने वाले हैं। आपको बता दें कि हीरोपंती 2 टाइगर की 10वीं फिल्म होने वाली है और साथ ही टाइगर का ये फिल्म इंडस्ट्री में 7वां साल चल रहा है। हाल ही में टाइगर ने इंडस्ट्री में अपने 7 साल पूरे होने पर कहा है, बीते वक्त को देखते हुए मुझे केवल और केवल ग्रैटिट्यूड के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता है। जहां मुझे क्रेजी एक्सपीरियंस और दर्शकों से बेशुमार प्यार मिला है, हीरोपंती हमेशा मेरे लिए एक खास फिल्म रहेगी और मैं साजिद सर, साफिर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और कृति को भी सबसे अच्छे कोस्टार्स में से एक होने के लिए धन्यवाद। हालांकि टाइगर को कृति ने थैंक्स तो बोल दिया है, लेकिन आपको बता दें कि हीरोपंती 2 में कृति को तारा सुतारिया ने रिप्लेस कर लिया है। तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ 2 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए नजर आएंगे। इस साल की शुरुआत में निर्माता साजिद नाडियावाला ने हीरोपंती 2 की घोषणा की थी और एक्शन फ्रेंचाइजी के दूसरे पार्ट के साथ निर्माता साजिद नाडियावाला ने स्केल, एक्शन और अन्य सभी पहलुओं को मामले में इस फ्रेंचाइजी को अगले स्तर पर ले जाने की योजना बनाई है। अभी तक तो नहीं सोचा था, अब लगता हो जाऊं पता है तुझे आगे लाए, क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूं। सेकंड हाफ में होगी विलन की एंट्री। क्यों करते हैं टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इतनी इज्जत? हमें बचपन से ही कुछ बातें सिखाई जाती हैं और हम उन बातों को जिंदगी भर याद रखते हैं। क्या आपको याद है हम छोटे थे और हमारे पापा मम्मी हमें सिखाते थे कि हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये सभी बातें हम आगे जाकर हमेशा काम आती हैं, क्योंकि आप जब हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और सारी सिखाई बातें हमें आगे जाकर काम आती हैं। चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हों या फिर हमारे वर्क प्लेस में हमारे सीनियर्स, या हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। और लगता है कि बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ जिनकी फिल्में 200 से 300 करोड़ की कमाई करती हैं, वो अपने सीनियर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की काफी इज्जत करते हैं और उन्हें बहुत कुछ सीख भी चुके। अब टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से हीरोपंती 2 में साथ दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि हीरोपंती 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन का किरदार निभाने वाले हैं। हीरोपंती 2 से पहले ये दोनों एक साथ मुन्ना माइकल में काम कर चुके हैं और इसलिए दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख भी चुके हैं। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने टाइगर श्रॉफ से कुछ कूल डांस मूव सीखे हैं, तो टाइगर ने न केवल अपने आने वाले करियर के लिए कुछ अनमोल टिप्स लिए, बल्कि ह्यूमिलिटी का एक बड़ा सबक भी लिया। टाइगर श्रॉफ का कहना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुश्किलों से आगे बढ़कर आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। बॉलीवुड में उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, उन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया। उन्होंने कैमियो अपीयरेंस के साथ शुरू किया और आज अब उन्हें बॉलीवुड के सबसे बेस्ट एक्टर्स में से एक माना जाता है, लेकिन फिर भी वो इतने डाउन टू अर्थ है। अब टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन हो सकता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरोपंती 2 के सेकंड हाफ में एंट्री ले। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले फिल्म का पहला स्केड्यूल पूरा हो गया था और सुनने में आया था कि फिल्म के फर्स्ट हाफ की शूटिंग हो चुकी है और फिल्म के दूसरे स्केड्यूल की शूटिंग लंदन में की गई, जहां पर नवाज भी फिल्म के कास्ट का हिस्सा बने। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया।
चूज कर क्या खाएगा दिखाएगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। हीरोपंती 2 की अनाउंसमेंट पिछले साल फरवरी में की गई थी और इस बार टाइगर के बर्थडे पर निर्माताओं ने इस फिल्म के डेट को भी अनाउंस कर दिया है। निर्माताओं ने इस आने वाली एक्शन रिलीज की तारीख का खुलासा करते हुए कहा कि ये फिल्म 6 मई 2022 को रिलीज हो जाएगी। टाइगर के एक्शन और रहमान के संगीत के साथ लोग और एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। सुनने में आया है कि इस फिल्म को हॉलीवुड फिल्म मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ पर बेस किया गया है। इस फिल्म में ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली साथ में देखे गए थे। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। हीरोपंती 2 में हमें टाइगर और तारा सुतारिया एक शादीशुदा कपल के रूप में दिखेंगे। हॉलीवुड फिल्म मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ में ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली एक बोरिंग और आम कपल होते हैं। आमतौर की बोरिंग लाइफ जी रहे होते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं, पर फिल्म की खास बात ये है कि वो दोनों एक दूसरे से एक सीक्रेट छुपा रहे होते हैं। वो दोनों हत्यारे हैं जो विरोधी एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। जब उन दोनों को एक ही टारगेट को मारने के लिए असाइन किया जाता है तब उन्हें इस सच्चाई का पता चलता है। फिल्म के अंत तक ये दोनों अपनी नकली कहानियों से फ्री हो जाते हैं और अंत में पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए सौंपा गया है, जिससे आगे इस फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। अगर हीरोपंती 2 की कहानी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ पर बेस्ड है तो टाइगर और तारा सुतारिया किलर्स के किरदार में धमाकेदार लगने वाले हैं। एआर रहमान और गीतकार महबूब को भी हीरोपंती टीम में शामिल किया गया है। एआर रहमान, महबूब और अहमद खान की रंगीला तिगरी 25 साल बाद एक बार फिर से एक साथ आ गई है और ये सब साजिद नाडियावाला की एक्शन पैक फिल्म हीरोपंती 2 की वजह से पॉसिबल हुआ। जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्या दोस्तों, तो अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट एक्शन हीरो की बात की जाए और उसमें टाइगर श्रॉफ का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टाइगर अपने डांस और फिटनेस को लेकर बड़ों से लेकर बच्चों तक के चहीते स्टार है और टीनेजर्स में तो टाइगर की पॉपुलैरिटी देखते ही बनती है। और आपको बता दें कि टाइगर ने अपने फाइटिंग स्किल्स और डांस स्किल्स से बॉलीवुड के बड़े से लेकर के एक्सपीरियंस स्टार्स तक को चौंका दिया है और एक बार वो फिर से अपनी हीरोपंती को दिखाने के लिए अपनी डेब्यू फिल्म यानी कि हीरोपंती के सीक्वल में आ रहे हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि टाइगर श्रॉफ हॉलीवुड के बड़े एक्शन सितारों को उनके पैसे के लिए रन दे सकते हैं और इससे भी ज्यादा दिलचस्प तो यह है कि टाइगर श्रॉफ भारत के सबसे कम उम्र के एक्शन हीरो है और अपने जनरेशन के इकलौते स्टार है जिनके पास इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की कलेक्शन है। एक प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी की उनकी ये फिल्म उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर उनकी पोजीशन को मजबूत करता है, लेकिन आपको बता दें कि एक तौर पर इस पोजीशन के पूरे तरीके से हकदार भी वही है। लेकिन देखना तो यह दिलचस्प होगा कि क्या वो ईद रिलीज के साथ ही साथ सलमान खान की फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ पाएंगे और साथ ही साथ क्या वो जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा दिखाएगा। कैसे दिखाई टाइगर ने हीरोपंती, कहां हो रही है हीरोपंती 2 की शूटिंग, कैसे इतिहास फिर दोहराया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आप लोगों के सामने बॉलीग्रह स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। रोजाना बागी स्टार टाइगर श्रॉफ अपनी हॉट एंड किलिंग फोटोज इंटरनेट पर शेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले टाइगर ने एक काफी अपीलिंग फोटो शेयर की थी। इस फोटो को देख आपको टाइगर के हैंगओवर से बाहर निकलने में जरा वक्त लगेगा, क्योंकि इन दिनों वैसे तो वो अपनी फिल्म गणपत में बिजी है, लेकिन इसी के साथ वो अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 की तैयारियों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं ताकि फिल्म को लेकर बज बना रहे। साथ कई इसे रैम्बो रीमेक की तैयारी भी मान रहे हैं। इन फोटो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि बागी स्टार हिट बॉलीवुड फ्रेंचाइजी हीरोपंती की तैयारी दिलो जान से कर रहे हैं।
अपने इन किलर लुक से टाइगर श्रॉफ ने इंटरनेट पर तो तहलका मचा ही दिया है, साथ ही अपनी माचो इमेज से फैंस को भी घायल कर दिया है। बागी स्टार ने ये फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर अपने फैंस को बस समझ लीजिए कि शौक ही दे दिया है। वैसे बता दे कि फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद अगस्त में यशराज फिल्म्स के लिए टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के साथ जल्द अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं, जो फिल्म वॉर का सीक्वल बताया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ वो रैम्बो के रीमेक पर भी काम कर रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ ही नजर आएंगे। सिल्वेस्टर स्टैलोन की इस हिट फ्रेंचाइजी के हिंदी रीमेक की शूटिंग सिद्धार्थ पहले फरवरी 2019 में शुरू करने की सोच रहे थे, लेकिन अब वो पहले यशराज के प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे और इसके बाद ही रैम्बो फ्रेंचाइजी पर काम शुरू हो सकेगा। फिर भी उम्मीद की जा रही है कि रैम्बो पर मार्च 2022 से काम शुरू हो जाए, क्योंकि फैंस काफी लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हीरोपंती एक स्पाई थ्रिलर है, इसीलिए इस फिल्म को अलग अलग जगहों पर शूट किया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही फिल्म का लंदन का शूट खत्म हुआ है, जहां से भी टाइगर ने कई रील्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बता दें इसके अलावा हीरोपंती को यूरोप और हिमालय के जंगलों में शूट किया जाना है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी के हिसाब से बैकड्रॉप में बर्फीले पहाड़ नजर आने जरूरी हैं। उन बर्फीले जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा। कौन सी क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड होगी हीरोपंती 2? क्या टाइगर श्रॉफ पर लगा मर्डर का इल्जाम? क्या कैमियो करेंगे कृति सेनन इस फिल्म में? हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। बॉलीवुड के फिटनेस फ्रीक टाइगर श्रॉफ अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंती के सीक्वल के साथ अगले साल बड़े पर्दे पर जोरदार धमाका करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हीरोपंती 2 एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी। इस तरह की फिल्म पहले भी बॉलीवुड में कई बार रिलीज हो चुकी है। अजय देवगन की दृश्यम मूवी की बात करें या फिर रानी मुखर्जी की मर्दानी की, और अब टाइगर श्रॉफ इस कैटेगरी में अपनी पहली फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज करने वाले हैं। इंटरनेशनल लोकेशन पर तैयार हो रही है ये बिग बजट क्राइम थ्रिलर फिल्म हीरोपंती। हीरोपंती 2 की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक ऐसे अंडरकवर ऑफिसर का किरदार निभाएंगे जिसे एक सीक्रेट मिशन पर इंडिया की तरफ से लंदन भेजा जाता है और वहां एक झूठे मर्डर केस में उन्हें फंसा दिया जाता है। लॉ मुश्किल है पार करने के बाद अपने आप को सही साबित करते हुए टाइगर श्रॉफ फिल्म में नजर आएंगे। इस बीच काफी सारा एक्शन ड्रामा फिल्म में होने वाला है और विदेशी जमीन में उनका साथ निभाती नजर आएंगी तारा सुतारिया, जो हर कदम कदम पर उनका साथ देंगी और आखिर में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। लेकिन एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जहां फिल्म तारा सुतारिया उनके लव इंटरेस्ट का किरदार निभा रही हैं और दूसरी तरफ फिल्म में इतना ज्यादा एक्शन ड्रामा होने वाला है, तो क्या फिल्म में रोमांस के लिए थोड़ी भी जगह बचाई जाएगी? इन दोनों की केमिस्ट्री किस तरह से दिखाई जाएगी ये जानने के लिए आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इन सभी सवालों का जवाब हम अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोज में आपके लिए जरूर लाएंगे। फिलहाल एक इंटरेस्टिंग न्यूज हीरोपंती 2 से सामने आ रही है कि फर्स्ट पार्ट में टाइगर श्रॉफ के साथ लीड एक्टर के तौर पर काम करने वाली एक्ट्रेस कृति सेनन हीरोपंती 2 में कैमियो करते हुए नजर आ सकती हैं। जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा। ड्रग कार्टेल का विलेन कौन है? रशियन होगा हीरोपंती का विलेन। कौन सी फोटो हो चुकी है टाइगर की वायरल? बॉलीवुड के हैंडसम हंग कहे जाने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ अपने फिटनेस और शानदार हॉट बॉडी के लिए जाने जाते हैं। फैंस उनकी पर्सनालिटी के साथ ही उनके गजब के स्टंट की भी तारीफ करते थकते नहीं। टाइगर आए दिन वो सोशल मीडिया पर वर्कआउट वीडियोस और फोटोज अपने फैंस के साथ शेयर करना नहीं भूलते, जिस वजह से वो हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहे और फैंस के फेवरेट भी। यही हाल है टाइगर की एक फोटो वायरल हो रही है
जो ये फोटो उनकी आने वाली फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 के सेट से है। टाइगर के इस लुक ने लाखों दिलों का दिल जीता। अब हीरोपंती ने उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में खूब धमाल मचाया। खास बात तो ये है कि जल्द ही टाइगर हीरोपंती 2 में नजर आने वाले हैं। उन्होंने फिल्म का अपना पहला स्केड्यूल भी पूरा कर लिया। इससे जुड़ी टाइगर श्रॉफ की जो फोटोज खूब वायरल हो रही हैं, उसमें वो ब्लैक सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 फिल्म के शूटिंग के बारे में सुनने में आया है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया और शूटिंग काफी स्मूथली जा रही है। हीरोपंती 2 के पॉजिटिव नोट पर शुरुआत की थी। अब सेट पर टाइगर पूरे जोश में थे। वही साजिद नाडियावाला के बारे में बात करते हुए ये भी सुनने में आया कि डायनामिक युद्ध के लिए साजिद की स्क्रिप्ट सेंस परफेक्ट है, जो अपने करियर को आगे ले जाने और बॉलीवुड में एस्टैब्लिश होने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उन्हें युद्ध का सपोर्ट करना पसंद है और टैलेंट को पहचानने की बिल्कुल समझ है। बता दें कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती साल 2014 में रिलीज हुई। अब खास बात तो ये है कि उनकी डेब्यू फिल्म की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसमें एक्टर ने कृति सैनन के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। दोनों की केमिस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आई। वहीं दूसरी ओर हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ मुख्य भूमिका निभाते दिखाई देंगे। एक्टिंग के साथ साथ फिल्म में गाने भी दमदार होंगे, ताबड़तोड़ होंगे, क्योंकि हीरोपंती 2 के म्यूजिक स्कोर को जिम्मा लिया है एआर रहमान को दिया। अब वही फिल्म की कास्ट की बात करें तो आपको बता दें कि सुनने में आया है कि हीरोपंती 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ एक रशियन एक्टर को भी कास्ट किया गया है, जो कि फिल्म का विलन होने वाला है। फिल्म में रशियन कैटल को दिखाया जाएगा और इस कैटल में हेड होने वाले जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर ये खाएगा ये खाएगा। हीरोपंती 2 के बारे में कौन सी अफवाह निकली थी गलत? कैसे बने टाइगर और तारा क्लोज फ्रेंड्स? टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन के बीच कमाल की केमिस्ट्री के साथ एक अच्छी दोस्ती भी है और अब ये दोनों गणपत फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कई दिनों से ये खबर आ रही थी कि टाइगर और कृति की डेब्यू फिल्म हीरोपंती में इनकी कमाल की जोड़ी के बाद इन्हें फिर से इस फिल्म के सीक्वल में देखा जाएगा। लेकिन इस गलत अफवाह की सच्चाई तब पता चली जब कई अटकलों के बाद हीरोपंती 2 के निर्माताओं ने आखिरकार तारा सुतारिया को सफल एक्शन फ्रेंचाइजी की दूसरी किश्त में टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी फीमेल लीड के रूप में फाइनल कर दिया था। तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ 2 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। इस साल की शुरुआत में निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने हीरोपंती 2 की घोषणा की थी और एक्शन फ्रेंचाइजी की दूसरी किश्त के साथ निर्माता साजिद नाडियाडवाल ने स्केल, एक्शन और अन्य सभी पहलुओं के मामले में इस फ्रेंचाइजी को अगले स्तर पर ले जाने की योजना बनाई है। हीरोपंती 2 का निर्देशन अहमद खान करेंगे, जिन्होंने इससे पहले बागी फ्रेंचाइजी से बागी 2 और बागी 3 का निर्देशन किया है। हीरोपंती की पहली किश्त ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, जिसमें टाइगर की परफॉर्मेंस फिल्म का मेन अट्रैक्शन रही है। फैंस ने तारा और टाइगर की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया था। तारा और टाइगर को हीरोपंती में एक साथ एक्शन करते हुए देखा जाएगा। सुनने में आया है कि फिल्म में टाइगर एक इंटरनेशनल स्पाई का किरदार निभाने वाले हैं और तारा उनका पीछा करने वाली है और उनकी इसी रेस में इन दोनों को प्यार हो जाएगा। एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म तड़प के प्रमोशन में बिजी है। तारा के साथ एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। हालांकि जब तारा से अहान शेट्टी और टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने के अनुभव के बारे में सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने टाइगर श्रॉफ का नाम लेते हुए कई खुलासे किए और बताया कि वो उनके काफी क्लोज हैं और दूसरे के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं। आपको याद दिला दें कि तारा भाई जैसे पता चला तू आया तो देख तेरे स्वागत।
टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। हीरोपंती करेगा क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाति नहीं। सीक्वल की जरूरत, सीक्वल क्यों नहीं खरे उतरे उम्मीदों पर? क्या तारा के एक्शन बचाएंगे इस फिल्म को? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी, ये डायलॉग फिल्म शोले का फिल्म के सीक्वल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी है। मतलब स्पष्ट है, इंडस्ट्री में जब भी कुछ हिट होगा तो मेकर्स उसके सीक्वल के बारे में जरूर विचार करेंगे, भले ही वो फिल्में हो, टीवी सीरियल हो या रियलिटी शोज हो। पुराने एग्जांपल ही देख लीजिए, सीक्वल हर उस फिल्म के नजर आएंगे जिसे फैंस ने उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया हो, भले ही वो फिल्म धूम हो या क्रिश। धूम युवाओं के बीच इतनी ज्यादा हिट हो जाएगी ये मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा, लिहाजा सीक्वल आया धूम 2, वो भी हिट, तीसरा पार्ट भी हिट हुआ। यानी जब तक सीक्वल हिट होते रहेंगे मेकर्स इसकी सीक्वल बनाते ही रहेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है क्रिश और रेस सीरीज की, कुछ ऐसे ही रियलिटी शोज का भी हाल है और यही रीजन है कि बिग बॉस का 15 सीजन आया है। टीवी शोज के साथ ऐसा ही सिलसिला वेब सीरीज के साथ भी चल रहा है, फिर चाहे वो फैमिली मैन हो या फिर मिर्जापुर, इन सभी के दूसरे सीजन आ गए हैं, या फिर और भी कई ऐसे वेब सीरीज हैं जिसके आगे पार्ट भी आने वाले हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी और परेश रावल स्टारर फिल्म हंगामा 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीद थी, पर ये फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खड़ी नहीं उतर पाई और इसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है हंगामा 2 के फ्लॉप के बाद ऑडियंस बॉलीवुड के सीक्वल को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। इस डर को सत्यमेव जयते 2 और बधाई 2 जैसे सीक्वल ने पूरा कर दिया। लोगों को इसकी कहानी ज्यादा लुभा नहीं पाई, पर आई बंटी और बबली की सीक्वल ये भी ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बंटी और बबली के सीक्वल में शालवरी, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और सैफ अली खान दिखे थे। अब फैंस को सिर्फ एक सीक्वल से उम्मीद है और वो है हीरोपंती 2। हीरोपंती की कहानी को हीरोपंती 2 के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आने वाले हर मामले को टाइगर एक स्पाई की तरह सॉल्व करेंगे। क्या आप भी हीरोपंती की एंडिंग को हीरोपंती की स्टार्टिंग में देखना चाहते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे टाइगर श्रॉफ के धुआंधार एक्शन को देखने के लिए उनके दीवाने फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है, और इस बार इसमें तारा जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा, ये खाएगा। कौन थी कैजात कपाड़िया? टाइगर ने क्यों की शेयर कैजात कपाड़िया की पोस्ट? टाइगर किन फिल्मों में आने वाले हैं नजर? सो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी एक्टिंग के लिए भले ही लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए हूँ, लेकिन उनकी बॉडी और फिटनेस के चलते टाइगर के फैंस उन पर मरते हैं। टाइगर की फिटनेस के पीछे टाइगर की मेहनत के अलावा उनके ट्रेनर कैजात कपाड़िया का भी हाथ है। बुधवार को टाइगर को एक बड़ा झटका लगा, उनके गुरु कैजात कपाड़िया का निधन हो गया और इससे टाइगर को बेहद सदमा लगा। कैजात कपाड़िया की मुंबई में अपनी फिटनेस अकेडमी है। कैजात कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फिटनेस ट्रेनर रह चुके थे। कैजात के निधन से टाइगर को बहुत बड़ा सदमा लगा है। कैजात के निधन पर टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई है। स्टोरी शेयर करते हुए टाइगर ने लिखा था कि रेस्ट इन पावर कैजात सर। आप समझ सकते हैं कि जो शख्स के लिए टाइगर लिख रहे थे वो उनके जीवन में कितना मायने रखते होंगे। उनके निधन के बाद टाइगर के फैंस भी कैजात को श्रद्धांजलि दे रहे थे। वहीं अगर टाइगर के वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर की कई फिल्में पूरी तरह से रिलीज होने को तैयार हैं। इनमें से एक गणपत पार्ट 1 है जिसमें उनके साथ कृति सानन नजर आने वाली है। वहीं दूसरी फिल्म हीरोपंती 2 है जिसमें उनका साथ देने के लिए तारा सुतारिया रेडी हैं।
और रैम्बो में भी टाइगर श्रॉफ दिखने वाले हैं, जो ओरिजिनल रैम्बो फिल्म का इंडिया में रीमेक होने जा रहा है। इसमें टाइगर श्रॉफ रैम्बो की भूमिका निभाने वाले हैं, जो ओरिजिनल जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा। क्या है टाइगर का बॉन्ड कनेक्शन? क्या होने वाला है टाइगर का रेलवे स्टेशन में क्रेजी स्टंट सीक्वेंस? अहमद खान की डायरेक्शन में बन रही साजिद नाडियावाला के बैनर तले फिल्म हीरोपंती 2 के दूसरे सीक्वल का मार्च महीने में मुंबई में एक छोटा सा स्केड्यूल शुरू किया गया था और टीम अब रूस में अपना दूसरा स्केड्यूल भी पूरा कर चुकी। इस फिल्म को टाइगर श्रॉफ की बाकी फिल्मों की तरह एक बड़े बजट, एक से एक बढ़कर एक शूटिंग लोकेशन और भरपूर एक्शन सीन्स के साथ बनाया जा रहा है। टाइगर श्रॉफ के फैंस को टाइगर से बड़ी उम्मीदें हैं और वो भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब हीरोपंती 2 का इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है क्योंकि फिल्म की कहानी में टाइगर एक इंटरनेशनल स्पाई के किरदार में दिखने वाले हैं, जैसे कि आइकॉनिक जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखा गया है और इसलिए फिल्म को दुनिया भर के सबसे खूबसूरत लोकेशन जैसे कि रशिया, लंदन और यूरोप के कई देशों में शूट किया जा रहा है। टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कास्ट इस फिल्म की कहानी पर और चार चांद लगाने वाली है और फिल्म को एकदम हाइट लेके जाएगी। फिल्म की टीम मॉस्को में है और उसके बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की शूटिंग कर रही है। अब टीम मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में फिल्म के मेन एक्शन सीन्स और एक गाने को शूट कर चुकी है। इस गाने और एक्शन सीन्स के लिए हीरोपंती 2 की टीम ने वहां की लोकल टीम के साथ परफेक्ट लोकेशन की तलाश की थी। ग्रैंड और बड़े एक्शन दृश्यों को शामिल करने के लिए कई स्टंट डिजाइनर्स के साथ भी बातचीत की गई और उनमें से एक मार्टिन इवानोव है, जो कि स्काईफॉल जो कि 2012 की बॉन्ड फिल्म थी और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। टाइगर श्रॉफ लंदन में कुछ हाई ऑक्शन एक्शन सीन्स की शूटिंग कर रहे हैं। तारा सुतारिया के साथ टाइगर श्रॉफ कुछ हफ्ते पहले फिल्म की शूटिंग के लिए कहां गए थे? अरे लंदन गए थे। अब सुनने में आया है कि टाइगर श्रॉफ इप्सविच रेलवे स्टेशन पर एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे। एक्शन सीन्स के अलावा निर्माता टाइगर और तारा के लिए बीच कुछ लव सॉन्ग्स भी शूटिंग की लंदन में करेंगे। अब इस फिल्म में 2 से 3 लव सॉन्ग तो होंगे ही। फिल्म में नवाजुद्दीन समझता है क्या यार? अब लोग कहते हैं सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। हाउस को कैसे दी टाइगर ने टक्कर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सुनीता जुआल। दोस्तों, टाइगर हमेशा इतने स्टाइलिश और सरल कैसे रह लेते हैं, ये सवाल सबके मन में आता है। क्या है उनके स्टाइल का राज, तो आपको बताएंगे और हीरोपंती 2 की जानकारी देंगे। तो आपको बता दें, जैकी श्रॉफ के बेटे और एक्टर टाइगर श्रॉफ भी अब लाइफस्टाइल बिजनेस में उतर गए हैं। टाइगर श्रॉफ से पहले भी कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ने ऐसा किया है और हर किसी के नाम से उनका ब्रांड भी है, जैसे ऋतिक का हो गया HRX जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और जिम वेयर देता है, सलमान, अनुष्का, सैफ, करीना, सबके अलग अलग ब्रांड्स है। इसी तरह टाइगर ने अपने ब्रांड के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इस ब्रांड की शुरुआत से इसका हिस्सा रहा हूं और मुझे हर पड़ाव पर इससे जुड़ने में काफी ज्यादा खुशी हुई है। ये ब्रांड मेरी शख्सियत का प्रतिबिंब है, जैसे मैं हूँ वैसा मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं दिन भर एक्टिव रहना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं कुछ स्टाइलिश बढ़िया दिखने वाले लेकिन सहज कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, जो ये ब्रांड उसके लिए एकदम फिट है। साथ ही पैशन के साथ फैशन की कड़ी में अब टाइगर श्रॉफ का भी नाम जुड़ चुका है। टाइगर श्रॉफ ने प्राउड ब्रांड के साथ लाइफस्टाइल बिजनेस में कदम रखा है। ये ब्रांड टाइगर ने मोजो स्टार के साथ सहयोग से खोला है, इसी के साथ ये मोजो स्टार का पहला ब्रांड बन चुका है।
प्राउड ब्रांड के साथ टाइगर श्रॉफ युवा लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जो कि उनकी फिटनेस के साथ साथ उनके लाइफस्टाइल को भी कॉपी करते हैं। इस फैशन परस्त ब्रांड के जरिए कंपनी का मकसद बेहद स्टाइलिश कपड़े और एक्सेसरीज उपलब्ध कराना है। टाइगर श्रॉफ ने ब्रांड के बारे में अपने ट्वीट कर ये खुशी जाहिर की। तो इससे जुड़ी एक और बात आपको बता दें, बागी 4 हीरोपंती 2 की ज्यादातर कास्ट फिल्म में इसी ब्रांड के कपड़े पहनने वाली है, क्योंकि टाइगर अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी आम इंसान को उन्हें ये कपड़े पहना जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा ये खाएगा। ए चुपचाप निकल जा यहां से, हमारे झगड़े में ना पड़। हुए थे टाइगर अपनी फिल्म हीरोपंती 2 को लेकर इमोशनल। हाय दोस्तों, मैं हूँ प्राची, आप सबकी होस्ट और दोस्त। एक बार फिर आ गई हूँ आपके सामने बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों को लेकर। एक एक्टर चाहे जितनी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दे या फिर 200-300 करोड़ वाली फिल्में दे दे, पर उसके लिए उसकी पहली फिल्म हमेशा ही खास रहती है। फिल्म हीरोपंती के पहले पार्ट की सफलता के बाद जल्द ही अब इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है। इस फिल्म की शूटिंग 3 अप्रैल से स्टार्ट भी हो चुकी है। ये तीसरा मौका होगा जब एक्टर टाइगर श्रॉफ और अहमद खान तीसरी बार एक साथ काम करेंगे। इससे पहले वो बागी 2 और बागी 3 के लिए साथ आए थे। फैंस हीरोपंती 2 को लेकर काफी एक्साइटेड है। वो जल्द से जल्द टाइगर को बड़े पर्दे पे देखना चाह रहे हैं। मूवी की शूटिंग लंदन में हो रही है। टाइगर ने इस फिल्म की शुरुआत एक बड़े एक्शन सीक्वेंस के साथ स्टार्ट की है। टाइगर के शूट करने के बाद एक हफ्ते के बाद तारा सुतारिया इस फिल्म के लिए शूट करेंगी। सुनने में आया है कि इस फिल्म के लिए टाइगर काफी भावुक हो रहे हैं। वो उस समय को याद कर रहे हैं जब वो इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखे थे और उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म के लिए इतनी मेहनत की थी, और जिस तरह से ऑडियंस का उन्हें प्यार मिला वो उन्हें और इंस्पायर करता है कि वो हीरोपंती 2 के लिए और भी अच्छे से काम करें। निर्माता साजिद नाडियावाला इस फिल्म को नए अंदाज में शूट कर रहे हैं और वो फिल्म हीरोपंती 2 के लिए भी इसी टेक्निक को अपनाएंगे। फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान कर रहे हैं और वो भी इस फिल्म में टाइगर के एक्शन सीन्स पर काम कर रहे हैं। हीरोपंती 2 में टाइगर हमें एक नए अंदाज में दिखने वाले हैं, एक ऐसा अंदाज जिसमें हमने उन्हें पहले नहीं देखा होगा उनकी फिल्मों में, जहां टाइगर श्रॉफ के एक्शन और रहमान के संगीत के साथ साजिद नाडियावाला ने इसे और भी कई ज्यादा हाइप कर दिया है। अब फिल्म में टाइगर श्रॉफ है तो फिल्म में एक्शन तो जबरदस्त होने वाला है, ये बात तो पक्की है। पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि टाइगर फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो खेल और मार्शल आर्ट में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। हीरोपंती देखकर दर्शक उनके एक्शन सीन्स और डांस के दीवाने हो गए थे। टाइगर मार्शल आर्ट में जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा ये खाएगा। हीरोपंती का कौन सा गाना होने वाला है रिक्रिएट? कितने गाने होने वाले हैं हीरोपंती 2 के एल्बम में? हीरोपंती 2 एक एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन अहमद खान करने जा रहे हैं। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई हीरोपंती का दूसरा पार्ट होगी। फिल्म के साथ टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, अब 6 साल बाद वापस फिर से हीरोपंती 2 में नजर आएंगे। टाइगर के साथ इस फिल्म में तारा सुतारिया भी नजर आने वाली है। ये फिल्म 2022 में थिएटर्स में रिलीज होगी। मशहूर म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान, गीतकार महबूब और अहमद खान की रंगीला तिकड़ी 25 साल बाद फिर से एक साथ आ गई है, और यह सब साजिद नाडियावाला की एक्शन पैक फिल्म हीरोपंती 2 के कारण संभव हुआ है। वह सभी दिग्गज कलाकार
अपने म्यूजिक के साथ फिल्म में अनबिलीवेबल मैजिक क्रिएट करने के लिए एकदम तैयार है। अहमद खान और साजिद दोनों ने अलग अलग समय में रहमान के साथ काम किया है। एवन ने अपनी फिल्म रंगीला के दिनों में और साजिद ने हवाई व तमाशा के दौरान उनके साथ काम किया था और इन दोनों फिल्मों के संगीत ने दर्शकों के दिलों को छू लिया था। दिलचस्प बात यह है कि इस बार एआर रहमान ना केवल गानों की क्रिएशन पर काम करेंगे बल्कि पूरी फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर भी बनाएंगे। हीरोबंदी 2 जैसी एक्शन से भरपूर फिल्म के लिए उस्ताद द्वारा संगीत को तैयार करते देखना दिलचस्प होगा, जिसका एक्शन स्टाइलिश और सिल्क होने के लिए जाना जाता है। रहमान द्वारा फिल्म में 5 गाने कंपोज करने की उम्मीद है और इस फिल्म की एल्बम में 6 गाने होने वाले हैं, जिनमें से एक हीरोपंती के फर्स्ट पार्ट का गाना रात भर का रीमेक होने वाला है। बता दें हीरोपंती 2 का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले भी बागी फ्रेंचाइज से बागी 2 और बागी 3 का निर्देशन किया है। हीरोपंती ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाया था, जिसमें टाइगर की परफॉर्मेंस फिल्म का मेन अट्रैक्शन रही है। फैंस द्वारा कृति सैनन और टाइगर की केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया था और अब हाई ऑक्टेन एक्शन और साजिद नारियावाला के मार्गदर्शन में हीरोपंती 2 निश्चित रूप से नए रिकॉर्ड बनाएगी। टाइगर श्रॉफ के एक्शन के साथ दर्शकों की उम्मीदों को जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा दिखाएगा। कैसे बनाया जा रहा है हीरोपंती 2 को मॉडर्न? आखिर तारा सुतारिया ने क्या स्टेटमेंट पास करी अपने हीरोपंती 2 में दिए गए रोल के बारे में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। चाहे किसी फिल्म में बड़े से बड़ा सेट का इस्तेमाल किया जाए, करोड़ों का बजट लगाया जाए, एक से बढ़कर एक बड़े डिजाइनर्स के कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल किया जाए, दुनिया भर के सबसे बेस्ट लोकेशंस में शूट किया जाए और फिल्म में बड़े बड़े सुपरस्टार्स को कास्ट किया जाए, लेकिन अगर ऑडियंस को फिल्म पसंद ही ना आए तो वो फिल्म के प्रोड्यूसर्स के करोड़ों रुपए डुबा सकती है। इसलिए आजकल के डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि उनकी फिल्में आज की जनरेशन से वाइब करवाएं और उनकी फिल्मों को पसंद करें, वरना उनका बड़ा नुकसान होता है। और इसलिए आजकल फिल्मों को मॉडर्न और लेटेस्ट ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यूज किया जा रहा है टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 के लिए। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की सुपरहिट फिल्म हीरोपंती का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। हीरोपंती 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है और इस बार दर्शकों को फिल्म में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में आई फिल्म हीरोपंती से ही करी थी। हीरोपंती 2 के राइटर रजत अरोड़ा ने बताया, ये अब तक हमारे द्वारा की गई सबसे मॉडर्न और अप टू डेट फिल्म है। ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की अब तक की हिट फिल्मों से एकदम हटकर होगी। हमने इसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स और उनके मॉडर्न सॉल्यूशन को दिखाते हुए बनाने की कोशिश की है। टाइगर श्रॉफ को अब तक बागी सीरीज और वॉर जैसी फिल्मों में धमाकेदार एक्शन करते हुए दिखाया गया है। दर्शकों को भी हमेशा उनका ये अंदाज पसंद आया है। सभी ये जानने के लिए बेताब हैं कि मेकर्स हीरोपंती 2 में क्या फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं या नहीं। तारा सुतारिया इस फिल्म में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के को स्टार टाइगर श्रॉफ के साथ फिर से रियूनाइट होने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड में शुरुआत करने के बाद जब तारा ने इस प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ काम किया तो टाइगर के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हीरोपंती 2 के बारे में वो कहती हैं कि मैं हमेशा से एक ऐसी फिल्म करना चाहती थी जिसमें मैं इस तरह की भूमिका निभाऊं। मुझे लगता है कि फिल्म में मेरा किरदार काफी मजेदार और हटकर है। ये उस तरह जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा दिखाएगा। क्या टाइगर है मास एंटरटेनर? किसने कहा टाइगर सलमान नहीं है? कौन होगा इंडस्ट्री का दूसरा सलमान? सो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने हाल ही में लगभग 30 फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान किया था।
जिनमें लगभग सभी बड़े स्टार्स की फिल्में शामिल हैं। एक साथ इतनी सारी रिलीज डेट्स का ऐलान सुनकर सिनेमा प्रेमियों के कान भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से सिनेमा घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। इन रिलीज डेट्स में एक बड़ी चीज देखने को मिली है, जिसके बारे में हर ओर चर्चाएं हो रही हैं। इसी में टाइगर श्रॉफ की आने वाली दो बड़ी फिल्मों ने ईद 2022 और क्रिसमस 2022 जैसी बड़ी रिलीज डेट्स पर कब्जा कर लिया है। हीरोपंती 2 ईद 2022 पर सिनेमा घरों में कदम रखेगी, तो वहीं गणपत पार्ट 1 क्रिसमस 2022 पर दर्शकों के सामने होगी। बीते सालों में ऐसा देखा गया है कि इन रिलीज डेट्स पर सलमान खान और आमिर खान का कब्जा रहा है, बाकी स्टार्स इन बड़े त्योहारों पर अपनी फिल्म नहीं लाते हैं। अब की बार यानी 2021 में भी आमिर ने क्रिसमस पर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को रिलीज करने का प्लान बनाया था, जो पूरा नहीं हो सका। हालांकि कोरोना के बाद चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। कोरोना वायरस के बाद निर्माताओं ने सलमान खान और आमिर खान से ज्यादा भरोसा टाइगर श्रॉफ पर जताया है और उनकी फिल्मों के लिए इतनी बड़ी रिलीज डेट्स भी दी हैं। कई लोग मान रहे हैं कि हीरोपंती 2 और गणपत की रिलीज डेट से साफ हो गया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री भी मान चुकी है कि टाइगर श्रॉफ ही अगले मास हीरो हैं। धर्मेंद्र, सनी देओल और सलमान खान के बाद टाइगर श्रॉफ ही इंडस्ट्री के अगले एक्शन स्टार साबित होंगे। बता दें कि ट्रेंड एक्सपर्ट अक्षय राठी ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइगर श्रॉफ ने बीते सालों में काफी मेहनत की है और जबरदस्त फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी से सलमान खान के बराबर हो गए हैं। सलमान खान को जो स्टारडम मिला है उसके पीछे लगभग 25 सालों की मेहनत है। टाइगर को अगला सलमान खान बनने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। यार अब लोग कहते हैं सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। हीरोपंती 2 के लिए आखिरकार क्या लिया साजिद ने फैसला? कोरोना के नए वेरिएंट से कौन डरा पहले? प्राइम वीडियो से कैसी डील हुई? कोरोना वायरस की वजह से भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। कोरोना की वजह से अकेले बॉलीवुड इंडस्ट्री को अब तक 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। लॉकडाउन में फिल्मों की शूटिंग रुकने से लेकर सिनेमा घरों के बंद होने के बाद मेकर्स ने अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था। हालांकि हालात सामान्य होने लगे थे और सरकार ने भी सिनेमा घरों को खोलने के आदेश दे दिए थे, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के आने से सिनेमा में फिर से खलबली मच गई है। ऐसे में निर्माताओं ने बीते सालों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए और वो ही गलती फिर ना दोहराने के लिए पहले से ही सिनेमा घरों के साथ साथ OTT पर भी फिल्में रिलीज करने का फैसला किया है। इस रेस में अब साजिद नाडियाडवाला का नाम भी जुड़ गया है। हमारा मानना है ये अब तक का सबसे बेहतरीन डिसीजन है। बता दें कि लॉकडाउन लगने की आशंका को देखते हुए साजिद नाडियाडवाला कई OTT दिग्गजों के साथ अपनी कई फिल्मों की रिलीज की डील पर बातचीत कर रहे थे। इन फिल्मों की डील के लिए साजिद ने Amazon प्राइम वीडियो के साथ हाथ मिलाया है। बताया जा रहा है कि साजिद ने Amazon प्राइम वीडियो के साथ 5 फिल्मों का सौदा किया है। इन फिल्मों की डील 250 करोड़ रुपए से ज्यादा में तय हुई। इसमें अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2, सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली, कार्तिक आर्यन की सत्यनारायण की कथा और सलमान खान की किक 2 शामिल हैं। ये सभी फिल्में सिनेमा घरों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज की जाएंगी। इस सौदे में किक 2 ने सभी का ध्यान खींचा, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है और सलमान खान की फिल्में तो है ही ऐसी जिस पर बात बन ही जाती है। बता दे साजिद सलमान के साथ किक 2 बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और पिछले कुछ समय से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि फिल्म बनेगी और इसलिए उन्होंने फिल्म को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। इस फिल्म के लिए सलमान को अब तक की सबसे मोटी रकम मिलेगी। इन 5 फिल्मों के अलावा उनकी हाल ही में रिलीज हुई प्रोडक्शन फिल्म तड़प का भी प्रीमियर Amazon प्राइम वीडियो पर हुआ था, जिसका काफी अच्छा।
आपको हीरो समझता है क्या? यार अब लोग क्या दे, सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। क्या किया गया था पोस्टर को कॉपी? क्यों हुआ था पोस्टर कॉपी? क्यों है बागी और हीरोपंती में कनेक्शन? सो हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। बागी 3 के रिलीज से पहले ही साजन नाडियाडवाला ने टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म हीरोपंती 2 का धमाकेदार पोस्टर रिलीज कर दिया था। लेकिन इसके साथ ही टाइगर की इस अगली फिल्म के पोस्टर को लेकर कई तरह से सवाल उठने लगे थे। कहा जा रहा था कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 का पोस्टर हॉलीवुड फिल्म जॉन विक को कॉपी करके बनाया गया है, तो वहीं अब इस फिल्म के पोस्टर पर एक और नई बात उठने लगी थी। कहा जा रहा था कि हीरोपंती 2 का पोस्टर मेकर्स ने फोटोशॉप करते हुए बागी 3 के लुक से मैच किया था। दरअसल मेकर्स ने जब टाइगर श्रॉफ की एक और धमाकेदार एक्शन पैक फिल्म हीरोपंती 2 का ऐलान करते हुए पोस्टर्स रिलीज किए थे, तब इसमें दूसरे पोस्टर में बिल्डिंग के आगे खड़े टाइगर श्रॉफ की बॉडी को बागी 3 के लुक से कंपेयर किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बागी 3 के पोस्टर से एक्टर की बॉडी को लेकर यहाँ मिक्स कर दिया गया था। बागी 3 के पोस्टर और हीरोपंती 2 के इस पोस्टर को एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्टर का फेस और खड़े होने का तरीका हूबहू एक जैसा ही है। तो क्या ये पोस्टर फोटोशॉप किया गया है? कहीं ये कोई इशारा तो नहीं जिसके जरिए मेकर्स बागी 3 और हीरोपंती 2 के बीच कोई कनेक्शन होने की जानकारी देना चाहते थे? बता दें, बागी 3 की कहानी को इस तरह हीरोपंती 2 के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उसमें आने वाले हर मसले को टाइगर एक स्पाई की तरह सॉल्व करें। क्या आप भी बागी 3 की समझता है क्या? यार अब लोग क्या दे, सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते ना। टाइगर के दिल में किसके लिए है सॉफ्ट कॉर्नर? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची एंड आई वेलकम यू ऑल टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। हर एक्टर अपने टैलेंट की वजह से जाना जाता है और यही उसका टैलेंट है जो उसे औरों से अलग बनाता है। जैसे हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही हर एक्टर हर डायरेक्टर एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि हम रोहित शेट्टी को जानते हैं उनकी एक्शन फिल्मों के लिए, तो वहीं हम करण जौहर को जानते हैं बड़े सेट और ग्रैंड स्केल पर बनाई गई फिल्मों के लिए। वहीं इम्तियाज अली है मशहूर उनके पहाड़ों के कनेक्शन के लिए। क्या आपको समझ नहीं आया हम किस बारे में बात कर रहे हैं? चलिए हम आपको बता देते हैं क्या है इम्तियाज अली और पहाड़ों का कनेक्शन। हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में कुछ स्पेशल चीजें चाहता है जिसे डायरेक्टर स्टाइल माना जाता है। इम्तियाज अली की दुनिया हमेशा ट्रैवलिंग, प्रेम कहानी, ब्रेकअप या फिर सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड होती है। पहाड़ों के लिए उनके प्यार को उनकी फिल्मों से बेहतर किसी और ट्रिब्यूट की जरूरत नहीं है। हर एक्टर अपने अलग टैलेंट के लिए जाना जाता है। जैसे शाहरुख खान को हम बॉलीवुड के किंग और रोमांस के किंग बोलते हैं, वहीं हम अक्षय कुमार को पैट्रियोटिक फिल्म के लिए जानते हैं। वहीं हमारे एक्शन सीन के लिए जो फेमस है वो है टाइगर श्रॉफ। फिल्म इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और फिर से वो वापस आ रहे हैं अपने हीरोपंती के सीक्वल को लेकर। इस फिल्म में तारा सुतारिया भी होंगी और फिल्म में तारा सुतारिया के लुक को देख के लग रहा है उनका लुक एंजेलिना जॉली के मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ से इंस्पायर्ड है। हो सकता है हीरोपंती 2 भी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ से इंस्पायर हो। आपको बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान कर रहे हैं। अहमद खान ने बागी, बागी 2, बागी 3 का भी निर्देशन किया है। हीरोपंती 1 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई थी। इसमें टाइगर का परफॉर्मेंस फिल्म का मेन अट्रैक्शन रहा था। वहीं कृति सेनन और टाइगर की केमिस्ट्री को भी इस फिल्म में ऑडियंस ने काफी प्यार दिया था और पसंद किया था।